चलो देखो भाई, ह्यूमिडिटी पहले लिखा किसके बारे में? वेपर के बारे में। वेपर क्या है इसके बारे में? वेपर क्या है और गैस क्या है पहले समझेंगे। सबसे पहले लिखा हो किसी गैस के बारे में कि यदि किसी गैस का प्रेशर लो, किसी गैस का प्रेशर क्या हो? लो। और टेम्परेचर अगर हाई हो, किसी भी गैस का अगर प्रेशर लो और टेम्परेचर हाई हो, तब गैस के अंदर में क्या प्रॉपर्टी होता है? तब कहता है कि देन एवरेज सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज क्वाइट लार्ज। तब गैसों के मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी थोड़ा क्या होगा? ज्यादा। अगर टेम्परेचर ज्यादा हो और प्रेशर कम हो तो गैसों के मॉलिक्यूल्स का बीच का डिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा हो। वैसे भी समझते कि टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो समझना कि वेलोसिटी ज्यादा रहेगी, सही कि नहीं? तो ये बात लिखा होगा कि अगर किसी गैस का प्रेशर लो है और टेम्परेचर अगर हाई है तो आप समझिए कि एवरेज सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज क्वाइट लार्ज। गैसों के मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी थोड़ा क्या है? ज्यादा है। मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इज क्वाइट स्मॉल। मॉलिक्यूल के बीच जो अट्रैक्शन है वो क्या है? कम। मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इज क्वाइट स्मॉल। और वही लिखा हुआ है कि अट्रैक्शन एनर्जी इज लेस देन काइनेटिक एनर्जी। प्रेशर ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन वाला ज्यादा होगा तो अट्रैक्शन एनर्जी का मान ज्यादा होगा। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, मॉलिक्यूल के बीच का सेपरेशन क्या होगा? ज्यादा होगा, सही कि नहीं? इसका मतलब है किसी गैस का टेम्परेचर ज्यादा है और प्रेशर अगर कम है तो समझिए कि गैस के मॉलिक्यूल्स थोड़ा दूर दूर होंगे और उनके पास काइनेटिक एनर्जी का मान ज्यादा होगा। अट्रैक्शन एनर्जी का मान कम होगा और मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन है वो क्या होगा? कम होगा। अब आज लिखा हुआ कि प्रेशर इज इंक्रीजेज। अभी प्रेशर लो था ना, प्रेशर लो था और टेम्परेचर क्या था? अब यहाँ से हम टेम्परेचर क्या कर रहे हैं? ये प्रेशर को बढ़ा रहे हैं कि प्रेशर इज इंक्रीज या टेम्परेचर इज इंक्रीज। अभी लिखा गया था कि प्रेशर क्या है और टेम्परेचर हाई। यदि किसी गैस में प्रेशर लो हो और टेम्परेचर क्या हो? हाई, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी का मान क्या होगा? ज्यादा होगा। और अट्रैक्शन एनर्जी का मान कम होगा। मतलब गैसों के मॉलिक्यूल के डिस्टेंस थोड़ा दूर दूर पर होंगे, उन्हें वेलोसिटी का मान ज्यादा होगा। अब लिखा है कि अगर प्रेशर को इंक्रीज किया जाए, अगर प्रेशर को इंक्रीज किया जाए और टेम्परेचर को दोनों में से कोई एक किया जाए या दोनों किया जाए कोई दिक्कत नहीं। अगर दोनों किया जाएगा तो जो प्रोसेस होने वाला वो जल्दी होगा। और अगर सिर्फ मान लिया प्रेशर बढ़ाया जा रहा है टेम्परेचर लो किया जा रहा है तो जिस तरफ गैस का झुकाव होगा वो जो प्रोसेस थोड़ा क्या होगा? धीरे धीरे। अगर एक ही बात प्रेशर को भी बढ़ाया जाए और टेम्परेचर को भी लो किया जाए तो जो कुछ होना है गैस के साथ क्या होगा? जल्दी होगा। तो लिखा हुआ है कि प्रेशर इज इंक्रीज या टेम्परेचर इज डिक्रीज देन अट्रैक्शन एनर्जी बिकम्स मोर एंड फाइनली द गैस लिक्विफाई। तब अट्रैक्शन एनर्जी क्या हो जाएगा? ज्यादा। और काइनेटिक एनर्जी का मान? और इसी तरह से आप अगर बढ़ाते रहे तो एक समय ऐसा आया कि मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन इतना ज्यादा हो जाएगा कि गैस लिक्विड के फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन अगर किसी गैस के साथ ही घटना अगर घट रहा है तो गैस नहीं वेपर कहा जाएगा। बात समझ आया कि नहीं? अगर किसी गैस के साथ आप ऐसा करवा पाते हैं, गैस है इसका मतलब वेपर भी तो गैस है, वेपर भी क्या है? गैस है। इसका मतलब इसका प्रेशर क्या होगा? लो रहा होगा, टेम्परेचर हाई रहा होगा, भी गैस के रूप में है। लेकिन अगर कोई प्रेशर बढ़ाया या टेम्परेचर घटाया या दोनों काम किया, प्रेशर भी बढ़ा रहा टेम्परेचर भी घटा रहा, तो एक समय ऐसा आएगा कि गैसों के मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन एनर्जी का मान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, इतना ज्यादा कि गैस लिक्विड का रूप ले लेंगे। अगर कोई गैस इस प्रोसेस से होकर गुजर सकता है, लिक्विड के रूप में कन्वर्ट हो सकता है, तो समझे वो गैस नहीं था, वेपर। इफ द टेम्परेचर इज सफिशिएंटली हाई, आगे लिखा हुआ है हाउएवर, फिर भी इफ द टेम्परेचर इज सफिशिएंटली हाई सो दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज लार्ज, नो अमाउंट ऑफ प्रेशर कैन लिक्विफाई द गैस दैट टेम्परेचर एवर विच दिस बिहेवियर अकर्स इज कॉल्ड द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ द सबस्टॉन। ए गैस बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपर। समझिए, अभी हमने पढ़ा कि हमारे पास एक गैस है उसका प्रेशर लो है और टेम्परेचर क्या है? हाई। तो गैसों के मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? दूर होगा, उनके बीच अट्रैक्शन एनर्जी का मान कम होगा, तो उनमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा और अट्रैक्शन एनर्जी का मान कम होगा। अगर कोई प्रेशर को बढ़ाना शुरू करे और टेम्परेचर को, या दोनों में से कोई एक का, या प्रेशर को बढ़ाया जाए
या टेम्परेचर घटाया जाए या दोनों काम एक साथ किया जाए, तो धीरे धीरे इनके बीच के मॉलिक्यूल्स का अट्रैक्शन एनर्जी का मान ज्यादा होगा और काइनेटिक एनर्जी का मान घटेगा। तो ये लिखा हुआ है, तो हम ही बता रहे हैं अब कि इसका मतलब समझ लिए कि गैस गैस नहीं था, क्या था? वेपर था। अगर वह इस प्रोसेस से होकर गुजर सकता है, माने अगर प्रेशर बढ़ाने पर या टेम्परेचर घटाने पर कोई गैस अगर लिक्विफिकेशन हो, मतलब लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो इसे हम लोग बोल सकते हैं क्या था? वेपर। जिसे हम लोग एलपीजी वाला गैस, मान लिया जाए कि शुरू में रहेगा गैस के फॉर्म में, धीरे धीरे प्रेशर वाले लोग सिंद्रवा वाला तंत्र में लगी पानी है, है कि नहीं? या फिर जाड़ा के दिन में ताव लगे कि पानी है, गर्मी के दिन में थोड़ा सा लगभग करता है एकदम पूरा खाली हो जाए, जला दिन में थोड़ा सा बच ले रहे, है कि नहीं? फिर लोग गैस को पलट के जला, है कि नहीं? कि जो भी बच्चे को जलेगा वह जलेगा, है कि नहीं? क्योंकि लिक्विफिकेशन के रूप में होगा, वो मन स्वयं से मतलब उस पानी में सक्षम नहीं है, गैस के रूप में रखा था ना भाई, हाँ मतलब ऊपर उठ सकता है, अब लिक्विड के रूप में तो क्या ऊपर उठेगा अपने से, तो उसको पलट देता है सब, या फिर गर्म पानी में डाला, है कि नहीं? मैंने कभी गाँव में शादी ब्याह में होगा, जाड़ा के दिन में खाना बनेगा तो पूरा गैस झर गया, उसके बाद एक टप पानी गर्म करके रखेगा और सिलेंडर में गैस वगैरह पनिया में डाल के चलाएगा, थोड़ा दो घंटा हो चलेगा, समझ में कि नहीं? क्योंकि लिक्विड जो फॉर्म में रहता है टेम्परेचर बढ़ेगा, थोड़ा गैस के फॉर्म में आएंगे, है कि नहीं? तो फिर प्रेशर कारण बाहर आ जाए। लेकिन अगर इसका टेम्परेचर अगर बहुत ज्यादा आ रहा, ऐसा भी नहीं कि टेम्परेचर है ज्यादा आप प्रेशर अगर बढ़ाते जाएंगे, टेम्परेचर लो करना जरूरी नहीं, प्रेशर खाली हाई कर दिया जाएगा भी नहीं, तो ये कन्वर्ट हो जाएगी इस रूप में लिक्विड, टेम्परेचर जितना उतना रहे तो छोड़ दो, खाली प्रेशर बढ़ो तुम क्या करो बढ़ाओ, तो अपने आप वो लिक्विड के रूप में कन्वर्ट। लेकिन कह रहा है कि फिर भी एक टेम्परेचर ऐसा भी है, अगर उस टेम्परेचर गैस के पास रहा तो फिर कितनों प्रेशर तुम दे लो वो कन्वर्ट लिक्विड के रूप में, एक टेम्परेचर ऐसा भी है, इसे बोला गया क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या बोला गया? हाँ, गैस का टेम्परेचर कितना ज्यादा रहे उसको लिक्विड के रूप में बदल ही लिया जाएगा, ये जरूरी नहीं। तो एक खास टेम्परेचर है गैस का, अगर उसके अंदर रहा तो बहुत हाई प्रेशर दे करके लिक्विड रूप में कन्वर्ट किया, हाँ कम टेम्परेचर है तो कम ही प्रेशर दे करके, ज्यादा टेम्परेचर है तो खूब ज्यादा प्रेशर देना पड़ेगा तब वो कन्वर्ट होगा लिक्विड में। लेकिन एक टेम्परेचर ऐसा भी है कि फिर तो मगर जो है अगर उसको बोला जाए क्रिटिकल टेम्परेचर, अगर ई टेम्परेचर कहीं गैस के पास रहा तो फिर आप लाख प्रेशर के तुम हाई कर दीजिए तभी कन्वर्ट नहीं होगा लिक्विड के रूप में, इसे बोला गया क्रिटिकल टेम्परेचर। वही लिखा गया, हाउएवर इफ द टेम्परेचर इज सफिशियंटली हाई, पर्याप्त मात्रा में हाई हो, बहुत ज्यादा हाई के बारे में नहीं इतना, पर्याप्त कम से कम, सो दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज लार्ज, इतना ज्यादा हो कि काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हो, इतना ज्यादा कि नो अमाउंट ऑफ प्रेशर कैन लिक्विफाई द गैस, कि प्रेशर का कोई ऐसा वैल्यू सक्षम नहीं है गैस को लिक्विफाई करने में, इतना टेम्परेचर का मान सफिशियंट हो, उससे ज्यादा हो तो और अच्छा बात रही, तो और भी कन्वर्ट हो ही नहीं पाएंगे, कैन लिक्विफाई द गैस द टेम्परेचर एवर विच दिस बिहेवियर अकर्स इज कॉल्ड द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। इसे हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल टेम्परेचर। ए गैस बिलो इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपर। अगर कोई गैस इस टेम्परेचर से नीचे टेम्परेचर पर है तो वेपर कहलाएगा, क्योंकि उसको मतलब लिक्विड के रूप में कन्वर्ट करना संभव है, प्रेशर चाहे जितना लग जाए कन्वर्ट होना है इसको, अगर टेम्परेचर कहाँ से नीचे रहा तो मेन ये हो गया कि क्रिटिकल टेम्परेचर से अगर टेम्परेचर नीचे है तो गैस वेपर कहा जाएगा, और इससे ऊपर है तो गैस कहा जाएगा, मैंने इससे अगर टेम्परेचर नीचे है तो कितनों प्रेशर देना पड़े, लेकिन एक प्रेशर ऐसा जरूर आएगा जितना उसको लिक्विफिकेशन होना है, लेकिन इससे अगर ज्यादा टेम्परेचर रहा कोई ऐसा प्रेशर संभव नहीं है जो कि उसको लिक्विफाई करवा दे, सही करें। तो एक ग्राफ बनाया हुआ, इस ग्राफ के माध्यम से चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। आपको समझिएगा अपने थोड़ा,
ध्यान सुनिए, लिखा हुआ है कि 350 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब किसी गैस का मैंने लिक्विड वाले गैस तो गैस मान के चला वेपर तो पता चलना है अभी तो 350 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान था। कितना तापमान था? 350 डिग्री सेंटीग्रेड। तब जा करके 163 एटमॉस्फेयर पर जब तापमान 370 था तब 194 एटमॉस्फेयर पर जब 374 है और जब 380 ध्यान समझिए इधर है वॉल्यूम इधर क्या है प्रेशर। समझिएगा 163 यहाँ है तो मान लो कि यहाँ 160 रहा होगा। नहीं, जब तापमान 100 में प्रेशर 160 है तो वॉल्यूम यहाँ है ना। जब प्रेशर 163 नीचे मान लो 160 है 160 के सामने वॉल्यूम यहाँ है ना मैंने वॉल्यूम अभी ज़्यादा है लेकिन 160 से गए 161 पर क्या वॉल्यूम थोड़ा कम गया कमा कि नहीं। 160 पर कहाँ बताए हम कि वॉल्यूम यहाँ है ना तो ज़्यादा है ना भाई। 160 पर वॉल्यूम यहाँ है 161 पर वॉल्यूम यहाँ है 163 जैसे हुआ वॉल्यूम ऑटोमेटिक यहाँ से भाग गया सही कि नहीं। मतलब इतना कंप्रेस हो गया वॉल्यूम अचानक समझो कि वह घटना हो रहा है जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं। अचानक कोई गैस है फैला हुआ है अचानक कुछ ऐसा हो इसका बन जाए एकदम लिक्विड तुरंत समट के नीचे बस में है कि नहीं। अचानक गैस है तो गैस तो वॉल्यूम तो ज्यादा होगा उसका अचानक प्रेशर इतना कर दिया जाके समूचे वॉल्यूम की जो गैस क्या बन गया लिक्विड के रूप में कन्वर्ट हो गया तो वॉल्यूम क्या हो गया तुरंत घट गया घट गया कि नहीं। 163 एटमॉस्फेयर पर जाकर के हमें देख रहे हैं कि ये जो प्रोसेस है क्या बता रहा है लिक्विफिकेशन ये जो लाइन है क्या बता रहा है लिक्विफिकेशन मतलब जो डॉटेड ग्राफ है हमारा लिक्विफिकेशन का सिंबल है किसके अंदर में अगर आ रहा है तो लिक्विफिकेशन हो रहा है। इस डॉटेड कर्व के अंदर में ग्राफ का आना इस बात का सबूत है कि लिक्विफिकेशन स्टार्ट है कि नहीं। तो ये 350 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर है तो 163 एटमॉस्फेयर प्रेशर चाहिए गैस को लिक्विफाई करने के लिए। अगर 370 डिग्री सेंटीग्रेड है तब जाकर 194 एटमॉस्फेयर पर प्रोसेस होना शुरू हुआ हुआ कि नहीं। देखो वॉल्यूम एकदम कितना ज्यादा था अचानक वॉल्यूम क्या हो गया कम हो गया। तो 370 डिग्री सेंटीग्रेड अगर तापमान कितना चाहिए 372 में भी आएगा 301 माइनस 371 पर भी कोई ना कोई हमें ग्राफ ऐसे यहाँ भी कोई प्रेशर रहा होगा 72 73 374 डिग्री नहीं तो खाली टच करके चला गया। मैं 374 डिग्री पर हम ग्राफ खींचे तो इस कर्व के अंदर में मतलब वहाँ लिक्विफिकेशन नहीं होगा। तो पानी का किलो टेम्परेचर कितना हुआ 374 डिग्री सेंटीग्रेड 374 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर 374 से नीचे रहा मतलब तापमान अगर किसी गैस का तो कोई ना कोई ऐसा प्रेशर जरूर होगा जिसको लिक्विफिकेशन करने का क्षमता रहता होगा। लेकिन 374 से ज्यादा अगर प्रेशर होगी टेम्परेचर अगर है गैस का तो फिर लास्ट प्रेशर कितना दे लीजिए तो कभी कन्वर्ट नहीं होगा लिक्विड के रूप। समझ आया कि नहीं। हाँ पुराने समझने वाला बात है पूरा प्रोसेस आगे लिखे हुए लिखा हुआ लिक्विफिकेशन स्टार्ट 300 डिग्री 163 एटमॉस्फेयर है निकलना 300 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहेगा 163 एटमॉस्फेयर पर लिक्विफिकेशन स्टार्ट हुआ ग्राफ बता रहा है। 370 डिग्री सेंटीग्रेड लिक्विफिकेशन स्टार्ट एट प्रेशर अराउंड 194 एटमॉस्फेयर सही कि नहीं। 370 डिग्री सेंटीग्रेड अगर तापमान रहा 194 एटमॉस्फेयर पर लिक्विफिकेशन स्टार्ट हुआ। वाटर कैन नॉट लिक्विफाई एट टेम्परेचर ग्रेटर देन 374.1 डिग्री सेंटीग्रेड 374.1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर पानी का तापमान क्या रहा ज्यादा तो फिर कभी लिक्विफाई नहीं होगा। वही लिखा गया है कि 374.1 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया किटर टेम्परेचर उसके नीचे अगर रहेगा तो वाटर वेपर कहलाएगा उसके ऊपर रहेगा तो वाटर गैस। अगर कोई लिखे वाटर गैस तो समझ लेना कि तापमान 374.1 से अगर हम लिखे वाटर वेपर
इसका मतलब उसमें इतना क्षमता है अभी कि उसको जब चाहे पानी में कन्वर्ट कर सकते। तो हम लोग गैस का पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ाई पढ़ेंगे वेपर का, क्योंकि वेपर ही ना लिक्विफिकेशन होकर के क्या बनेगा पानी के रूप में। तो अभी लग रहा है कि हवा है, फिर बाद में रहता है कि नहीं नमी, टेम्परेचर डाउन होंगे या प्रेशर बढ़ेगा, तो गैस वाला लिक्विड के रूप में हल्का हल्का कन्वर्ट। लेकिन एटमॉस्फेयर में लग रहा है कि गैस है, लेकिन गैस के रूप में नहीं, उसका वेपर के रूप में भी होंगे। लेकिन तो जो वेपर के रूप में है, जब टेम्परेचर या तो डाउन होगा या तो फिर जब प्रेशर हाई होगा, तो वेपर क्या होंगे, कन्वर्ट होंगे लिक्विड। तो पानी की मात्रा ज्यादा रहेगी एटमॉस्फेयर में और फिर गैस के रूप में कम रह पाएगी। सो वेपर इज ए गैस विच कैन बी लिक्विफाइड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर। हाँ, तापमान को बिना चेंज किए हाई प्रेशर दे करके अगर किसी गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं तो क्या कहलाएगा, वेपर। ये लिखा हुआ टेम्परेचर डाउन करने का जरूरत नहीं। हाँ, टेम्परेचर डाउन कर देंगे तो फिर गैस वो हो जाए नहीं, टेम्परेचर डाउन कर देंगे, मान लिया हर एक 380 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हमारा टेम्परेचर भी डाउन कर दे तब तो फिर इसको बदलना ही है लिक्विड में, है कि नहीं। इसे टेम्परेचर डाउन करने की बात नहीं लिखा गया है, टेम्परेचर वहीं रह दीजिए, खाली प्रेशरवा को बढ़ाइए तब देखिए कि लिक्विफाई हो रहा है या अगर हो गया तब वेपर था, अगर नहीं हुआ तो वेपर। और टेम्परेचर डाउन करने के बाद तो बातें अलग होगी, लेकिन टेम्परेचर डाउन कर देंगे तो लिक्विफाई होना ही होना है, तो टेम्परेचर को कुछ करना नहीं है, प्रेशर बढ़ाइए टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखते हुए। तब अगर प्रेशर बढ़ाने के बाद अगर आप पाते हैं कि लिक्विफिकेशन हो रहा है तो समझिए गैस नहीं, क्या था। लेकिन ऐसा नहीं कि टेम्परेचर डाउन करने से नहीं होगा, हम ये नहीं कह रहे हैं कि टेम्परेचर डाउन करने से गैस लिक्विफाई होंगे, ये कहना सही बात, ये कहना सही कि टेम्परेचर डाउन होने से गैसों के मॉलिक्यूल के बीच कैटेक्शन एनर्जी का मान बढ़ जाएगा और काइनेटिक एनर्जी का मान घट जाएगा। लेकिन लिक्विफिकेशन करने के लिए प्रेशर तो देना पड़ेगा ना करेगा, कम में टेम्परेचर रहेगा तो कम प्रेशर चाहिए, ज्यादा टेम्परेचर रहेगा तो ज्यादा प्रेशर चाहिए, और इससे ऊपर फिर कोई उपाय भी नहीं, टेम्परेचर डाउन करना पड़ेगा। वेपर ओबे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, वेपर भी क्या करते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को फॉलो करते हैं, बात की रहे वेपर भी क्या करते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को फॉलो करते हैं। अगर इस कमरा में वेपर है, हमको निकालना है वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर पार्शियल प्रेशर, पता ही नहीं कि कमरा में दो तीन तरह का गैस है, दोनों नॉन रिएक्टिंग गैस है सब, तो पहला गैस का प्रेशर बराबर क्या लिखाएगा NRT/V, NRT/V निकाल लो गैस का नंबर ऑफ मोल, टेम्परेचर जो होगा होगा आर का मान फिर से कमरा का वॉल्यूम बराबर पूरा गैस का वॉल्यूम। तो मान लिया हमको कमरा में निकालना है वेपर प्रेशर, तो वॉल्यूम नहीं पूरा कमरा का ही है कि नहीं, वॉल्यूम ना पड़ेगा पूरा कमरा का, और देख लीजिए कई मोल वेपर है, जय मोल वेपर है, जितना टेम्परेचर है बटा पूरा कमरा का वॉल्यूम, NRT/V कीजिएगा तो निकल जाएगा फिर से क्या वेपर प्रेशर बोलेंगे, क्या बोला जाएगा। हाँ, मैंने वेपर के द्वारा प्रेशर, जैसे ऑक्सीजन के द्वारा प्रेशर, और वेपर तो कैसे होने भाई, बस खाली इतना है कि वेपर कहने का मतलब मैंने मन में समझना है, कभी ना कभी अगर टेम्परेचर जहाँ डाउन हुआ तो कुछ ना कुछ क्या कर देगा वो लिक्विफिकेशन नहीं कर, सही कि नहीं। ये बात कहानियाँ धीरे धीरे पढ़ेंगे तो पता चलेगी। तो वेपर को भी समझना है गैस की तरह ही, लेकिन मन ही विचार रखना है कि ऐसा गैस है जो लिक्विड के रूप में कन्वर्ट हो सकता है अगर प्रेशर क्या कर दिया जाए हाई कर दिया। Thus the pressure ejected by the vapor present in air is the same as what is what it would be if the vapor were alone in the space with the same density and at the same temperature. Now सुनिए क्या लिखा हुआ है, thus the pressure ejected by the vapor present in air, हवा में वेपर मौजूद है, हवा में क्या है, the pressure ejected by the vapor present in air, हवा में जो वेपर मौजूद है उसके द्वारा लगाया गया प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वेपर प्रेजेंट इन एयर इज द सेम एज व्हाट इट वुड बी इफ द वेपर वेयर अलोन इन द स्पेस विद द सेम डेंसिटी एंड द सेम टेम्परेचर। मतलब कि मान लिया जाए कोई कमरा में खाली वेपर है, समझ लो दो कमरा हमारे पास, दो कमरा में खाली वेपरे है, खाली वेपर है बस, आपको गैस चाहिए नहीं है, आपको वायुमंडल है इसमें बहुत तरह के गैस भी हैं और वेपर भी हैं। अगर दोनों कमरे का तापमान सेम रहा, सब कुछ सही सलामत रहा, तो उस कमरा में वेपर प्रेशर और इस कमरा में वेपर प्रेशर का मान सेम है।
न्यूक्लियर की डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर को फॉलो करते हैं। एक सिलेंडर में सिर्फ ऑक्सीजन डाल दो एक मोल, इसका भी बहुत मैंने प्रेशर लिखाएगा एक आर टी वाई भी, और ऐसा ही सिलेंडर में एक मोल ऑक्सीजन और चार मोल फिलहाल गैस डाल दो जो ऑक्सीजन से रिएक्ट, फिर ही प्रेशर निकालो इतनी प्रेशर आया कि नहीं ले भाई सुना कि नहीं। इसमें अंदर में अगर ऑक्सीजन के साथ कोई और दूसरा गैस है जो आपस में रिएक्ट नहीं कर रहा तो इसमें निकालो प्रेशर एक मोल ऑक्सीजन का कितने नहीं थे आई कमरा में खाली ऑक्सीजन है एक मोल तो जो प्रेशर नहीं आएगा। यही बात समझाया गया कि अगर सिर्फ वेपर रहे तो उसका प्रेशर चाहे एयर में रहे तो बात देखिए फिर लिखा गया दस द प्रेशर इंजेक्टेड बाई द वेपर प्रेजेंट इन एयर इज द सेम एज व्हाट इट वुड बी इफ द वेपर बी अलोन इन द स्पेस with the same density and at the same temperature. Same density मैंने same pressure. Same density मैंने same pressure. हाँ और same temperature. सही करें? अगर vapor का density दोनों कमरा में same है, दोनों कमरा में तापमान भी same है, तो air में vapor रहे या vapor अकेले रहे, कोई दिक्कत? Pressure क्या देगा? Same. अब यहाँ पढ़ना है evaporation. Main घटना यहाँ से start है, धीरे-धीरे चलेंगे humidity की ओर. समझ में आएगा इसके बाद हम लोग अब पढ़ेंगे हम लोग वाष्पीकरण लंबा जोड़ा लिखा हुआ है, कहानी सुन के मजा लीजिएगा, मेन सारांश समझिएगा, रट्टा उट्टा मारने वाली बात नहीं। अगर ज्यादा कुछ नजर आ रहा नहीं है पूरा पढ़ा है मन से और लोग एकदम पूरा टॉप तो नहीं करनी है बैनर लगा दो। इवापोरेशन क्या लिखा हुआ है? बाष्पीकरण। देखा इवापोरेशन इज अ प्रोसेस इन विच मॉलिक्यूल स्कैप मतलब पलायन करना, मतलब आप जब पढ़ेंगे मॉडर्न साइंस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कि मेटल होते हैं, मेटल के अंदर में इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूमते रहते हैं लेकिन हमेशा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने का प्रयास करते हैं, मेटल से धातु से निकल पाते हैं क्योंकि मेटल अपने आप में न्यूट्रल होता है, कंडक्टर को भी न्यूट्रल है अपने आप में, जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना चाहते हैं प्लेटवा क्या हो जाता है पॉजिटिव चार्ज और प्लस होने के कारण फिर से इलेक्ट्रॉनों को अपने अंदर पकड़ के रखता है, बाहर निकल ही नहीं देता है लेकिन निकलने का प्रयास करते हैं इलेक्ट्रॉन, हमेशा प्रयास में लगे रहते हैं कब निकल जाएं बाहर। जब सूर्य का प्रकाश से किरण पर आकर गिरती है उनको एनर्जी मिलता है, अच्छा खासा काइनेटिक एनर्जी मिलता है, तो उसे अट्रैक्शन के विरुद्ध ही मैंने फोर्स लगाते हैं और बाहर निकल जाते हैं। लेकिन बाहर निकलना हवा में नहीं, कोई तार लगा हुआ रहता है तार के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं जैसे सौर प्लेट में हो रहा है, लेकिन सौर प्लेट में कुछ इस तरह का मेटल लगा दिया गया है ताकि उसके इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा फ्री रहें और जब सूर्य से आने वाले प्रकाश की किरणें पड़ेंगे उनको एनर्जी देंगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, है कि नहीं? बाद में पढ़ेंगे कि एनर्जी बहुत तरीका से दे सकते हैं लेकिन हम लोग को पढ़ना सूर्य प्लेट वाला, उसको गर्म करके भी एनर्जी दे सकते हैं, उसको बैटरी से जोड़ के भी एनर्जी दे सकते हैं, तो दो तीन तरीका होता है किसी मेटालिक प्लेट से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने का। वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे थर्माइनिक इमिशन, एकदम खूब गर्म कर दो, इससे एक्सरे उक्सरे होता है, है ना, या फिर कोई मतलब फिलामेंट है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा ना उससे अपने आप इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाता है, हीट होने के कारण इलेक्ट्रॉन तुरंत बाहर निकल जाते हैं एनर्जी को पाकर, कभी हीट के द्वारा, कभी इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा बैटरी से जोड़ करके, कभी सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों काम करवा देती है, तो बहुत तरीका से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। सर ऐसा ही समझिए कि पानी के मॉलिक्यूल्स भी बाहर निकलने का प्रयास करते रहते हैं हमेशा, लेकिन मॉलिक्यूल्स पानी के मॉलिक्यूल्स हैं तो उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ अट्रैक्शन फोर्स भी होगा, उनको निकलने देना चाहते नहीं। तो पानी के मॉलिक्यूल्स चाहते हैं कि एनर्जी मिले उनको, कुछ एनर्जी मिले तो बाहर निकल जाएंगे, स्केप कर जाएंगे, है? तो वही हम लोग को जब उसका हीट पड़ता है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है, पानी का लेयर गर्म होता है, उसको एनर्जी मिलता है और पानी के मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाते हैं। सही के लिए अगर वो कन्वर्ट होकर किसी दूसरे, अब मान लेते कभी कभी मान लें सब्जी में पानी ज्यादा पड़ गया तो उसको बोल के चलाते रहे, है कि नहीं? ऐसी खाली छोड़ दीजिएगा तो वही सूखे करेगा उतना जल्दी जितना कि चलाने से सूखेगा,
क्योंकि छोड़ दीजिएगा तो वेपर बनकर तो निकलेंगे लेकिन हवा के वायुमंडल से टकरा करके फिर कहीं ना वापस लौट के चले आए। चलाने से क्या होगा या फिर उसके ऊपर हवा चले, जहाँ तो शुक्र है उसके ऊपर क्या चला दीजिए हवा, जो ऊपर उठेगा वो कहाँ पे आ जाएगा, हाँ नीचे गिरने का चांस ही नहीं, तो जल्दी सूखने का चांस है। बस मैं कि नहीं तने बोलते हैं कि धूप रहे नहीं हवा चलना चाहिए, कपड़ा सूख जाएगा, अंदर से गर्मी रहे खाली कपड़ा मैं हवा चलना चाहिए, धूप कड़ा रहे ना रहे सूख जाएगा वो, है कि नहीं, क्योंकि हीट यही है थोड़ा बहुत मैं आपके एटमोसफेयर में कुछ ना कुछ हो ही पड़ेगा, एवापोरेशन होगा, हवा चली रहा तो जैसी ऑपरेशन हो बाहर, है कि नहीं, हवा देर कहा चलेगा बाहर तुरंत वहां से पानी गायब, ये हम लोग मतलब जो हो रहा है मतलब ये तो पढ़ेंगे एवापोरेशन, लेकिन क्या है भाप बन रहा है कि नहीं और पानी क्या हो रहा है वहां से हटाया है। प्रोसेस इन विच मॉलिक्यूल्स एस्केप स्लोली फ्रॉम द सर्फेस ऑफ ए लिक्विड, लिक्विड के सर्फेस से मॉलिक्यूल्स का आसानी से बाहर निकल जाए क्या कहलाता है, तो ये कह रहा है कि बर्तन से पानी क्या है खुला हुआ है, ऐसे नहीं रखा ओपन वेसल है। हियर देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन स्टैप मॉलिक्यूल्स, दे कैन गो फार अवे एंड नेवर रिटर्न, कह रहा है इस बर्तन के ऊपर में कोई ढक्कन उक्कन नहीं लगा हुआ, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया ऊपर से। हियर देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन स्टैप मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल्स स्कैप करना चाहते हैं निकालना चाहते हैं बाहर पानी के सरफेस से उनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दे कैन गो फार अवे, ये बहुत दूर चले जाएंगे एंड नेवर रिटर्न, और कभी लौट के वापस सो मॉलिक्यूल्स मे रिटर्न आफ्टर कोलाइडिंग विथ एन एयर मॉलिक्यूल्स बट द नंबर ऑफ स्कैप इज ऑलवेज ग्रेटर देन द नंबर रिटर्न, करा ऐसा नहीं है जब मॉलिक्यूल्स निकलते होंगे बाहर तो हवा से क्या होते होंगे टकराते भी होंगे और कुछ लौट के, लेकिन जितना स्कैप कर रहे हैं उसकी तुलना में लौट कर आने वाली की संख्या कम है। सो मॉलिक्यूल्स मे रिटर्न आफ्टर कोलाइडिंग विथ एन एयर मॉलिक्यूल, ठीक है नहीं, हवा के मॉलिक्यूल से टकराते हैं और फिर लौट के, बट द नंबर ऑफ स्कैप मॉलिक्यूल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द नंबर रिटर्न, लेकिन जितना मॉलिक्यूल रिटर्न होकर आएंगे उससे कहीं ज्यादा है कौन स्कैप हो रहे हैं, हेंस इंटायर लिक्विड मस्ट बी इवेपोरेटेड, इसलिए पूरा का पूरा लिक्विड क्या हो जाएगा इवेपोरेट हो जाएगा, पूरे के पूरे का बाष्पीकरण हो जाएगा, इसमें लिक्विड बचेंगे नहीं। हाँ हमें देखते हैं गर्मी के दिन में लोटा में पानी रखिए सूख लो, है कि नहीं, रखा कुछ हो गया कुछ और दोपहर होते होते बल्कि थोड़ा सा ही घटे लेकिन थोड़ा बहुत क्या हो गया सूख गया, अगर ज्यादा देर तक रहेगा तो पूरा पूरा। तो लिखा हुआ है कि अगर एयर को ब्लो कर दिया जाए लिक्विड के सरफेस के ऊपर देन नंबर ऑफ रिटर्निंग मॉलिक्यूल्स इज फर्दर रिड्यूस, तो लौट कर आने वाले मॉलिक्यूल की संख्या हो जाएगी घट जाएगी, दिस इंक्रीज द रेट ऑफ नेट इवापोरेशन, दिस इज व्हाई क्लॉथ ड्राई फास्टर देन विंड इज ब्लोइंग, एक एग्जांपल दे रहे थे अभी कि हवा जब तेज चलता है कपड़ा क्या होता है जल्दी सूख जाता है। मॉलिक्यूल कम्स आउट वेन ए मॉलिक्यूल comes out of the liquid surface, it has to oppose the attraction of the surface molecule, है ना, molecules अगर liquid है इसके बीच में attraction energy क्या हो ज्यादा हो, solid में ज्यादा होता है liquid में थोड़ा और उससे भी कम गैस, लेकिन liquid है तो कुछ तो होगा attraction molecules के बीच में। When a molecule comes out, जब ये molecule बाहर आना चाहता है ऑफ द लिक्विड सरफेस अगर बाहर निकलना चाहता है इट हैज टू अपोज, उस समय विरोध कर रहा होता है एट्रैक्शन ऑफ द सरफेस मॉलिक्यूल, सरफेस का जो ऊपर का मॉलिक्यूल है मतलब निकलने वाले मॉलिक्यूल को अपने तरफ खींचना चाहता है, लेकिन वो निकलने के चक्कर में उसे क्या करता है विरोध करता है, इट इज लिविंग बिहाइंड, इट हाँ है निकलना सारे मॉलिक्यूल इट इज लिविंग बिहाइंड, मैंने छोड़ने के पहले दिस नीड्स एक्स्ट्रा एनर्जी, तो छोड़ने के लिए चाहिए इसको एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, इसे बताते हैं अति वाला कहानी इलेक्ट्रॉन वाला, ऐसी कहानियां समझिए निकलना चाहते हैं तो निकलने के दौरान जो अट्रैक्शन से मैंने विरुद्ध काम करना चाहते हैं और उसको क्या चाहिए और थोड़ा सा एनर्जी चाहिए बाहर निकलने के, दस ओनली दोज मॉलिक्यूल कैन एस्केप व्हिच हैव काइनेटिक एनर्जी सफिशिएंटली लार्जर देन द एवरेज, इसका मतलब है कि वही मॉलिक्यूल सिर्फ बाहर निकल पाएंगे जो इस एनर्जी को पार कर पाएंगे, हर एक मॉलिक्यूल स्कैप नहीं कर जाए, मॉलिक्यूल जैसे ही बाहर निकलना चाहते हैं लिक्विड के सरफेस पर से तो लिक्विड के सरफेस वाले मॉलिक्यूल अट्रैक्शन के कारण उसके अपने अंदर तरफ खींच के रखते हैं, लेकिन अगर ये मॉलिक्यूल को बाहर निकलना है तो क्या चाहिए आप एनर्जी चाहिए, इसका मतलब सिर्फ वही मॉलिक्यूल बाहर स्कैप कर पाएंगे जिनके पास सफिशियंट एनर्जी होगा निकलने लायक एनर्जी होगा।
Thus, average kinetic energy of the remaining liquid decreases. तो ये एनर्जी लेते कहाँ है, कभी कभी अंदर वाले पानी के मॉलिक्यूल से, इसीलिए हम लोग ने व्यक्ति की घड़ा में पानी ठंडा हो गया, घड़ा में पानी हाँ इवापोरेशन के कारण मॉलिक्यूल्स बाहर निकल, तुम तालाब ला में भी गर्मी के दिन में गोता लगाओ, ऊपर वाला पानी गर्म रहेगा, डुबकी लगा दें नीचे एकदम ठंड, सही कि नहीं, ऊपर वाला सरफेस वाला पानी एकदम क्या रहेगा गर्म, और जहाँ अंदर चलेगा एकदम नीचे एकदम ठंडा लगेगा। वास्तव में इवापोरेशन जब हो रहा था तो पानी के मॉलिक्यूल्स एनर्जी कहाँ खींच रहे थे, नीचे, सही कहें वही एनर्जी का यूज किया है इवापोरेशन के लिए बाहर निकलने के लिए, तो नीचे का पानी क्या हो जाता है ठंडा, वही लिखा हुआ है द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिमेनिंग लिक्विड डिक्रीजेस एंड हेंस इट्स टेम्परेचर गोज डाउन, दिस इफेक्ट इज यूज इन कूलिंग वाटर इन फ्यूचर हैविंग पोरस वॉल्स, लिखा हुआ ना इसका दीवार क्या होता है पोरस जैसा, सीमेंटेड का दीवार जो मिट्टी का घड़ा से क्या है पोरस मतलब वाल है उसका, तो उस तरह का अगर बर्तन में आप पानी रखेगा तो क्या हो जाएगा पानी ठंडा होगा, क्योंकि ऑपरेशन के कारण क्या हो जाएगा बाहर निकालना चाहेगा तो हीट कहाँ से खींचेगा, अंदर से खींचेगा, अंदर से हीट खींचेगा तो नीचे का पानी क्या हो जाएगा ठंडा रहेगा। अब यहाँ समझिए कि एक बर्तन तो खुला हुआ है पूरा का पूरा, ये बर्तन क्या है पूरा का पूरा खुला, सेम बर्तन ये भी है ऐसे में पानी भरा हुआ है, लेकिन इसको एक प्लेट से ढक दिया गया, इसको एक प्लेट से ढक दिया गया। और तीसरा केस में लिखा हुआ है कि वही बर्तन है लिक्विड उतना ही था, इसको एक जार से कवर किया गया, सही कि नहीं, एक जार से क्या कर दिया गया है कवर किया गया। साइड में कोई स्पेस, ऊपर स्पेस किया। तो पहला फिगर तो दिखाएं, पहला ही जिस तरफ था पेज नंबर 4 में, पेज नंबर 5 में ये दोनों फिगर आपको दिख रहा होगा क्लोज प्लेट वाला, है कि नहीं। देखा आफ्टर सम टाइम कुछ घंटे के बाद माइंड दैट ऐसा पाया गया कि क्वांटिटी इन द फर्स्ट वेसल इज ऑलमोस्ट द सेम, दैट इन द सेकेंड इज रिड्यूसेस टू सम एक्सटेंट। अब फर्स्ट किसको माना गया, सेकेंड किसको माना गया, पता फर्स्ट इसके बारे में बताया गया है और इसके बारे में सेकेंड। तो आफ्टर सम टाइम कुछ घंटे बाद फाइंड दैट क्वांटिटी इन द फर्स्ट वेसल इज ऑलमोस्ट द सेम, इसे पाया कि लगभग लगभग सेम ही, बहुत ज्यादा का अंतर अंतर होगा नाम मात्र का, सिर्फ उतना ही अंतर होगा जितने कि इसके मॉलिक्यूल्स अभी यहाँ पर घूम रहे होंगे, कुछ तो मॉलिक्यूल्स इसके होंगे जहाँ पर रुके होंगे और टकरा करके वापस तो गए और टकरा करके लौट रहे होंगे, जितना मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं उतना ही मॉलिक्यूल टकरा करके लौट भी रहे हैं, लेकिन उस दौरान भी तो कुछ होगा जो बीच में रहे होंगे, बस वही नाम मात्र का अंतर था, लेकिन ऐसे तो बोला जाए एक तरफ जो मॉलिक्यूल स्कैप कर रहे हैं एक तरफ मॉलिक्यूल रिटर्न आ रहे हैं, तो कुछ स्कैप करेगा उसके बाद ना आएगा रिटर्न, तो हल्का सा जहाँ तक यहाँ से जितने मॉलिक्यूल उठ के यहाँ आए होंगे उतना जो डाउन हुआ होगा हुआ होगा, उसके बाद एक तरफ से स्कैप करेंगे एक तरफ से रिटर्न, सही कह रहे, तो लिक्विड का लेवल ऑलमोस्ट वहीं का सम सेम, दैट इन द सेकेंड इज रिड्यूसेस टू सम एक्सटेंट, लेकिन दूसरा वाला में कुछ मात्रा क्या हो जाएगा इसका घट, दूसरा वाला में पता चला कि कुछ मात्रा क्या हो गया इसका घट गया। इन बोथ केसेस मॉलिक्यूल्स बैक इन टू द लिक्विड, ये दोनों केस मॉलिक्यूल क्या आ रहे हैं बैक आ रहे हैं, स्कैप तो कर ही रहे हैं और बैक भी आ रहा है, बट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गोइंग बैक डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द स्कैप मॉलिक्यूल, सही कहले जो मॉलिक्यूल स्कैप के उसके डेंसिटी पर, तो इसमें जो मॉलिक्यूल स्कैप के उसका डेंसिटी ज्यादा हो क्योंकि स्पेस, इसमें जो मॉलिक्यूल स्कैप करेंगे उसका डेंसिटी का मान कम होगा, इसमें रिटर्निंग मॉलिक्यूल की संख्या भी कम होगी,
अल्टीमेट डेंसिटी का मान ज्यादा होगा यहाँ पर है ना वेपर, जो मॉलिक्यूल स्कैप कर गए हैं पानी का मॉलिक्यूल जो स्कैप कर चुका है उसका डेंसिटी यहाँ क्या होगा ज्यादा, यहाँ डेंसिटी क्या होगा कम होगा। तो इसमें डेंसिटी अगर कम है तो इसमें टर्निंग मॉलिक्यूल की संख्या भी कम होगी, और इसमें डेंसिटी का मान ज्यादा है तो टर्निंग मॉलिक्यूल की संख्या भी ज्यादा। इन बोथ केसेस मॉलिक्यूल्स बैक इनटू द लिक्विड बट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गोइंग बैक डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द स्कैप मॉलिक्यूल व्हिच केप्स ऑन इंक्रीजिंग एज मोर एंड मोर इवेपोरेशन टेक्स प्लेस। कह रहा है कि जितना ज्यादा इवेपोरेशन होगा उतना ज्यादा डेंसिटी होगा, जितना ज्यादा इवेपोरेशन होगा उतना ज्यादा डेंसिटी और ज्यादा होगा, सही कि नहीं? तो सुनिए पहले इवेपोरेशन से मेरा स्टार्ट हुआ तो शुद्ध डेंसिटी कम था तो टर्निंग मॉलिक्यूल की संख्या भी धीरे धीरे इवेपोरेशन क्या होगा ज्यादा होगा तो डेंसिटी क्या होगा एक समय ज्यादा होगा तो टर्निंग मॉलिक्यूल की संख्या भी ज्यादा होगा तो टर्निंग ज्यादा होगा। तो एक समय ऐसा होगा कि अंदर में डेंसिटी इतना ज्यादा बढ़ जाएगा उससे ज्यादा बढ़ पाना संभव तो उस समय टर्निंग मॉलिक्यूल की संख्या एकदम फिक्स हो जाएगी उतना आते रहेगी हमेशा और इसके इसमें उससे ज्यादा प्रेशर संभव है नहीं। अगर उससे ज्यादा प्रेशर होगा तो क्या हो जाएगा लिक्विफाई हो जाएगा। बस ऑपरेशन हुआ तो गैस के मॉलिक्यूल यहाँ है पानी के मॉलिक्यूल वेपर के रूप में यहाँ पर है तो वेपर के रूप में भी है तो यहाँ पर डेंसिटी कम है तो स्कैपिंग मॉलिक्यूल ज्यादा होगा टर्निंग मॉलिक्यूल कम तभी और ऑपरेशन होगा। टर्निंग मैंने कम है और स्कैपिंग डिप्रेशन और होगा इस कारण से समय के साथ साथ इसमें गैस के मॉलिक्यूल की संख्या और बढ़ेगी तो बढ़ेगी तो डेंसिटी का मान भी तो टर्निंग मॉलिक्यूल की संख्या भी बढ़ेगी तो उतना ज्यादा ऑपरेशन अपने होगा जितना की हो रहा है नहीं। स्कैप तो कर ही रहे हैं लेकिन अभी टर्निंग भी ज्यादा है एक समय तो ऐसा हो जाएगा कि एकदम प्रेशर इसके अंदर में जितना होना है फिक्स हो जाएगा बस मैं गिरे और टर्निंग मॉलिक्यूल की संख्या क्या हो जाएगी फिक्स बस मैं गिरे तो जो लिक्विड घटना था घट गया उसके बाद वहीं का वहीं रहे लेकिन इससे ज्यादा घटेगा है कि नहीं। कोई कहे कि नहीं और ऑपरेशन होगा तो और ऑपरेशन होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा अंदर अजा प्रेशर और बढ़ेगा तब फिर पेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए हर हाल में इनको लिक्विड फुकाए होना ही। कहता है कि अगर इसके अंदर में जबरदस्ती वेपर डाल दिया जाए अंदर से बाहर से आउट डाल दिया जाए तो कभी बोले कि आउट लिक्विड में बदल जाएगा प्रेशर नहीं देगा यहाँ क्योंकि प्रेशर अंदर में ज्यादा है ना और आप जबरदस्ती वेपर इसमें इंसर्ट करवाइएगा तो प्रेशर और बढ़ेगा प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा तो प्रेशर ज्यादा बढ़ने के कारण फिर वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे तो अंदर में प्रेशर का मान क्या रहेगा फिक्स। इसको बोलते हैं सैचुरेटेड वेपर प्रेशर सैचुरेटेड इससे ज्यादा होने वाला नहीं बस में के लिए बाहर अगर उतना नहीं है तो क्या कहलाएगा अनसैचुरेटेड। शुरू में क्या था अनसैचुरेटेड शुरू में मान लिया 1 ग्राम वेपर ही स्कैप हुआ तो अनसैचुरेटेड है अभी क्योंकि अभी यहाँ इसमें प्रेशर बनना संभव है 2 ग्राम वेपर 3 ग्राम वेपर स्कैप हो रहे हैं यहाँ पर वेपर बनते जा रहा है जमा हो रहा है तो वेपर का मान अंदर में ज्यादा हो रहा है तो प्रेशर का मान भी ये सब क्या है अनसैचुरेटेड। एक समय ऐसा आया कि इसके अंदर प्रेशर का मान क्या हो गया उससे ज्यादा प्रेशर नहीं बने उससे ज्यादा अगर हुआ इवेपोरेशन तो फिर लिक्विफाइड ऑटोमेटिक होगा प्रेशर वहीं का उसे बोला जाएगा सैचुरेटेड वेपर प्रेशर सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। बाकी सुना रहे हैं करा आयन इक्विलिब्रियम इज रिच अब समझ आ रहा है इक्विलिब्रियम मैंने अब जो कहानी स्थिर हो गया आयन इक्विलिब्रियम इज when the number of molecules escaping from the liquid per second equals the number of returning to the liquid agar escaping molecule aur returning molecule ki sankhya barabar ho gayi to samajh liye jab kya aa gaya equilibrium aa gaya jitna vapor banna tha ban gaya usse zyada vapor nahi banega agar zyada banega to liquid mein convert thus volume of the liquid then becomes constant hai na bhai अब लिक्विड का वॉल्यूम क्या रहेगा अब घटने वाला क्योंकि अब जैसे ही घटेगा ऑपरेशन के माध्यम से फिर लिक्विफिकेशन के माध्यम से वहीं का वहीं चला जाएगा कि नहीं। इन सेकेंड केस इक्विलिब्रियम इज रीच्ड आफ्टर मेनी मोर मॉलिक्यूल्स मस्ट स्कैप इक्विलिब्रियम तो आएगा इसमें भी लेकिन ज्यादा ज्यादा मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे स्कैप हेंस क्वांटिटी इज रिड्यूस्ड टू सम एक्सटेंट इस कारण से इसमें क्या होता है पानी की मात्रा कुछ क्या हो गया है कम हो गया है
इसमें कम स्पेस है ना भाई, तो एक तरह से ऑपरेशन हो रहा है कैसे टर्निंग, तो लिक्विड के लेवल में कोई कमी नहीं आए, और इसमें कोई सेचुरेटेड प्रेशर वाला बात नहीं है, समझो कि स्टार्ट हुआ नहीं कि लिक्विफिकेशन स्टार्ट है कि नहीं, मैंने कुछ स्कैप हुए गए वापस आ गए ऐसा, इससे मॉलिक्यूल स्कैप हुए जगह मिला अच्छा खासा भी जमा हो रहे हैं है कि नहीं, और स्कैप होंगे और जमा होंगे, लेकिन जैसे जैसे और जमा होंगे पहले प्रेशर का मान बढ़ता जाएगा, डेंसिटी भी ज्यादा होगा तो रिटर्निंग मॉलिक्यूल भी ज्यादा होंगे, आप ऐसे ज्यादा होने के कारण लिक्विफिकेशन भी होने का चांस रहेगा, तो एक समय के बाद शुरू में कहलाएगा कंप्रेसर अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड का मतलब अभी इक्विलिब्रियम आया नहीं है, जब इक्विलिब्रियम आ गया अब हो गया सैचुरेटेड प्रेशर है कि नहीं, अब जितने मॉलिक्यूल्स इसमें स्कैप करेंगे उतना ही आएंगे टर्निंग भी चले आएंगे, अगर ज्यादा स्कैप करेंगे तो अंदर प्रेशर का मान बढ़ेगा, वेपर क्या बन जाएगा लिक्विड, करा है कि सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड वेपर प्रेशर, इस कहानी में पढ़ना है कंप्रेसर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, पढ़िए सिंस आफ्टर इक्विलिब्रियम रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम लिक्विड टू वेपर इक्वल्स द रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वेपर टू लिक्विड, इक्विलिब्रियम आने के बाद जिस हिसाब से लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं उस हिसाब से वेपर भी, इफ वी इंजेक्ट सम वेपर अगर इसमें कुछ वेपर और डाल दिया जाए फ्रॉम आउटसाइड इनटू द स्पेस अबव द लिक्विड, इस लिक्विड के लेवल के ऊपर में इसके अंदर में क्या किया जाए और वेपर डाल दिया जाए, द रेट ऑफ द रिटर्निंग मॉलिक्यूल विल इंक्रीज, है ना, आप इसके अंदर में अगर जबरदस्ती वेपर डालिएगा तो जो डाल रहे हैं वेपर वो भी क्या बनेगा, इसका मतलब रिटर्निंग मॉलिक्यूल की संख्या और ऑपरेशन मॉलिक्यूल की संख्या कम है, वही का वही रखे ना, जब ऑपरेशन अपने हिसाब से हो रहा था लिक्विफिकेशन अपने हिसाब से हो रहा था, अब तो जबरदस्ती से वेपर डाल देगा तो थोड़े मतलब वेपर के रूप में रहेगा, प्रेशर ज्यादा होने के कारण लिक्विफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा और पानी में कन्वर्ट होना, अब क्या होगा कि रिटर्निंग मॉलिक्यूल की संख्या ज्यादा और जो है मॉलिक्यूल की संख्या हो गया कम, if we inject some vapor from outside into the space above the liquid the rate of returning molecule will increase while rate of evaporation will still be the same, the net result is that the extra amount of vapor will convert into liquid, iska result ye hoga ki jitna bhi extra hum isme vapor dale hain sabka sab liquid mein convert hoga, thus the space cannot contain more than a certain maximum amount of vapor, इसका मतलब इसके अंदर का जगह एक मैक्सिमम वेपर से ज्यादा रख नहीं सकता, इफ द अमाउंट ऑफ वेपर इज लेस देन दिस द रिटर्न रेट इज लेस देन द रेट ऑफ इवेपोरेशन, अगर इसके इसका मतलब क्या पता चला, इसके अंदर में फिक्स अमाउंट ऑफ वेपर हो सकते हैं, अगर उस अमाउंट से अगर कम वेपर है तो समझ लीजिए इवेपोरेशन फास्ट है और लिक्विफिकेशन स्लो है, अगर पूरा पहुंच गया इक्विलिब्रियम में इसका मतलब लिक्विफिकेशन और वेपरेशन दोनों मान, अगर बाहर से कोई जबरदस्ती प्रेशर डालना चाह तो लिक्विफिकेशन ज्यादा होगा इवेपरेशन कम, इज लेस देन द रेट ऑफ इवेपरेशन एंड द अमाउंट ऑफ वेपर विल इंक्रीज टू इट्स मैक्सिमम हाइट, सही ना, अगर इक्विलिब्रियम से पीछे है अभी इसका मतलब है कि इवेपरेशन अभी और होगा और तब तक होगा जब तक अपने मैक्सिमम वैल्यू को गेन कर न ले, वेन या स्पेस एक्चुअली कंटेन्स द मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वेपर द वेपर इज कॉल्ड सैचुरेटेड, जब ये स्पेस खाली जगह मैक्सिमम वेपर को अपने अंदर में रख लेगा उससे ज्यादा रखवाने की क्षमता इसके अंदर में, अब इसे क्या बोला जाएगा सैचुरेटेड, इफ द अमाउंट इज लेस देन द मैक्सिमम पॉसिबल द वेपर इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड, क्लियर, दिस मैक्सिमम अमाउंट डिपेंड्स अपॉन टेंपरेचर, या मैक्सिमम अमाउंट पर डिपेंड करता है टेंपरेचर पर भी डिपेंड करता है, प्रेशर रिजल्टेड बाय ए सैचुरेटेड वेपर इज कॉल्ड सैचुरेशन वेपर प्रेशर, प्रेशर एग्जर्टेड बाई सैचुरेटेड वेपर इज कॉल्ड सैचुरेशन वेपर प्रेशर, एक टेबल बना के दिखाया गया है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर सैचुरेटेड वेपर कितना होता है 4.5 एमएम ऑफ, इस तरह से आपको पता चल रहा होगा कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाया जा रहा है सैचुरेटेड वेपर का मान भी बढ़ता है, सही कि नहीं, अगर ये टेम्परेचर ज्यादा है इसके अंदर में पानी का तो ज्यादा यहाँ पर ही मॉलिक्यूल्स को रख पाएंगे ज्यादा प्रेशर बर्दाश्त करेगा, ठीक है, ज्यादा टेम्परेचर रहेगा तो ज्यादा प्रेशर होगा तब ना जाकर लिक्विफिकेशन स्टार्ट होगा, तो यही वाला बात है, सुनो पढ़े थे कि टेम्परेचर अगर हाई है तो प्रेशर भी हाई चाहिए लिक्विफिकेशन होने के लिए, अब माना कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा यहाँ पर है
तो यहाँ पर प्रेशर भी बहुत है। हाँ, ज्यादा प्रेशर होगा तब फिर स्टार्ट वाली लिक्विफिकेशन। अब ज्यादा प्रेशर होने तक तो मैंने भरता नहीं जाएगा, तो उस कहानी में सैचुरेटेड वेपर प्रेशर का मान क्या आएगा? ज्यादा आएगा। सैचुरेटेड वेपर प्रेशर भी क्या एक तरह से वही वाला क्रिटिकल वाला, जैसे अभी पहले बताया थे आपको हम क्या कि 350 / 63 एटमॉस्फेयर मैंने 350 डिग्री सेंटीग्रेड अगर इसके अंदर में टेम्परेचर है तो जब तक यहाँ प्रेशर 163 एटमॉस्फेयर हो ना जाए तब तक विजय मानने वाला नहीं। तो बर्दाश्त किया 163, अगर हो जाए मान लिया जाए 370-194 एटमॉस्फेयर मैंने अगर तापमान 170 पर है अंदर 300-394 एटमॉस्फेयर भी बर्दाश्त करेगा भी प्रेशर तब अस्टार्ट वाले क्यों साफ पता चला कि टेम्परेचर ज्यादा होगा तो सैचुरेटेड वेपर प्रेशर का मान भी ज्यादा हो। ज्यादा सैचुरेटेड तब कहलाता है जब हम पहुंचते कहाँ इक्विलिब्रियम, तब होगा जब अंदर प्रेशर इतना हो जाए कि लिक्विफिकेशन स्टार्ट हो जाए। अगर टेम्परेचर पर ज्यादा प्रेशर चाहिए, टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो प्रेशर भी ज्यादा चाहिए लिक्विफिकेशन होने के लिए। वो लिखा हुआ है कि टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा सैचुरेटेड प्रेशर का मान उतना ही ज्यादा। तरह धीरे स्पेस एक्चुअली कंटेन्स द मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट, हो जाएगा नीचे देखा था टेबल आपका, तो टेबल में ही बात लिखा हुआ है सब कौन सी में MMLG में, MMLG में सब लिखा हुआ है। कौन सी लिखा हुआ है एटमॉस्फेरिक में, देखिए ना टेबल में 350 डिग्री पर कितना निकल रहा है 163 एटमॉस्फेयर, एक एटमॉस्फेयर में 76 सेंटीमीटर एजी, एक एटमॉस्फेयर बराबर 760 MMHg। सही कह रहे हैं, तो समझ रहे हैं कि 350 डिग्री पर 163 × 760 उतना MMHg, क्योंकि टेबल निकल MMHg में ना, देखो ना 220 डिग्री सेंटीग्रेड पर चाहिए 17390 MMHg। अगर इसको बदलना है तो उनको एटमॉस्फेयर में तो भागो तो 760 तो निकल जाएगा एटमॉस्फेयर में, 220 डिग्री पर कितना एटमॉस्फेयर चाहिए पता आ रहा है कि नहीं। उसमें जो टेबल में क्या लिखा था सब एटमॉस्फेयर में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर 163 एटमॉस्फेयर चाहिए, और उसको लिखना हमको MMHg में 163 × 760 उतना MMHg चाहिए। इसमें लिखा कौन सी MMHg में कह रहा है कि इन एटमॉस्फेयर कहाँ वायुमंडल में है बात की, एयर एंड वेपर आर मिक्स्ड, समझ रहे कि नहीं। अभी हम कंसेप्ट पढ़े वेपर कौन कौन सैचुरेटेड वेपर प्रेशर और तो एटमॉस्फेयर का भी वायुमंडल सब कुछ होगा है कि नहीं। तो मान लिया जाए कभी ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है ऑपरेशन। अब मान लिया जाए कि ऑपरेशन वायुमंडल में हो रहा है तो पानी के मॉलिक्यूल क्या बन रहे हैं वेपर। अगर एटमॉस्फेयर का प्रेशर सैचुरेटेड वेपर प्रेशर के करीब पहुंच जाए है कि नहीं, अपने आप लिक्विफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, बूंद बन के गिरना शुरू हो जाएगा। लिखा है कि इन एटमॉस्फेयर एयर एंड वेपर आर मिक्स्ड विद ईच अदर, इफ ए गिवन वॉल्यूम कंटेन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वेपर पॉसिबल द एयर इज कॉल्ड सैचुरेटेड। देखो पहले जब यहाँ पर हम इसको जार से ढके थे तो क्या यहाँ हवा था कि नहीं, हम थोड़े फेकम कर दिए थे कि जार है इसको ऐसे जार से क्या किए यहाँ हवा है कि नहीं। अब हुआ ऑपरेशन स्टार्ट तो हवा और वेपर मिक्स हो रहे हैं भाई, तो इस हवा में वेपर अगर मैक्सिमम लेवल पर है तो इसका मतलब हवा सैचुरेटेड है कि नहीं। एटमॉस्फेयर का बात छोड़ो, यहीं पर बात करो यहाँ पर हवा था कि नहीं, और ये पानी बने क्या हुआ ऑपरेशन हुआ तो वेपर बना कि नहीं, यहाँ पर हवा भी है यार, जिस समय वेपर अपने मैक्सिमम अमाउंट पर होगा इससे जहाँ ज्यादा वेपर हुआ फिर लिक्विफिकेशन स्टार्ट, तो बोलेंगे हवा सैचुरेटेड। हवा हवा सैचुरेटेड है इसका मतलब है कि वहाँ पर इससे ज्यादा वेपर रह पाना संभव नहीं है कि नहीं। और वेपर का आयतन कितना होगा जितना यहाँ स्पेस का आयतन, हवा का भी आयतन मतलब पूरा स्पेस का आयतन, डाल्टन्स लॉ ऑफ मार्शल। बिल्कुल, इफ एटमॉस्फेयर इन एटमॉस्फेयर एयर एंड वेपर आर मिक्स्ड with each other, if a given volume contains maximum amount of vapor, possible, जितना possible है, उतना है, the air is called saturated with vapor, otherwise it is called unsaturated. वायुमंडल का बात कि अगर वायुमंडल के फिक्स आयतन में, वायुमंडल के फिक्स आयतन में मैक्सिमम वेपर अगर है वहां पर मौजूद
उसे तो वेपर वहाँ रख पाना संभव नहीं है। तो समझिए कि हवा क्या है, सैचुरेटेड एयर का मतलब कि हवा के किसी निश्चित आयतन में वेपर की मात्रा अपने मैक्सिमम वैल्यू, उससे ज्यादा वेपर उस वॉल्यूम में रह पाना संभव नहीं है। अगर उससे ज्यादा वॉल्यूम डालने का प्रयास किया गया तो लिक्विड के रूप में कन्वर्ट होगा, कौन वेपर। आगे लिए क्या लिखवा है, बॉइलिंग। ये अभी समझे हम लोग क्या सैचुरेटेड मतलब क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। तरह बॉइलिंग क्या है, इफ वी हीट द लिक्विड द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एंटायर लिक्विड इंक्रीजेस। अगर हम लिक्विड को हीट करते हैं, उष्मा देते हैं, तो उसके अंदर की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, एंड एट ए सर्टेन स्टेज और किसी खास स्टेज पर जाकर द एनर्जी बिकम सफिशिएंट टू ब्रेक द मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। और एक समय में ऐसा होता है कि मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन है क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। द मॉलिक्यूल्स एनीवेयर इन द लिक्विड कैन फॉर्म वेपर बबल, और लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं क्या होते हैं, वेपर के रूप में बनना चाहते हैं, कन्वर्ट होना चाहते हैं। दीज बबल्स फ्लोट टू द सर्फेस ऑफ द लिक्विड एंड फाइनली कम्स आउट ऑफ द लिक्विड। जो बबल है क्या होते हैं, लिक्विड के सतह पर आते हैं और फाइनली कहाँ हो जाते हैं, स्कैप कर जाते हैं। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड बॉइलिंग एंड द टेम्परेचर एट विच बॉइलिंग अकर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। ये तो बस कहानी लिखा हुआ जो हम देखते हैं पानी गर्म होने के समय, कि जैसे जैसे उष्मा देते हैं तो पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच का अट्रैक्शन जो है क्या होता है, कमजोर पड़ता है, उनके बीच का एनर्जी का मान घटता है और काइनेटिक एनर्जी का मान बढ़ता है। ऐसा आते हैं कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, वेपर के रूप में आना शुरू हो जाते हैं, कहाँ पर, लिक्विड के सरफेस के ऊपर में, और ज़्यादा एनर्जी पाकर क्या हो जाते हैं, इस घटना को हम लोग युवा परीक्षण करते हैं कि बॉइलिंग करते हैं, और जिस टेम्परेचर पर ऐसा हो रहा है उसे बॉइलिंग पॉइंट कहा जाए। नया के लिए तो बॉइलिंग पॉइंट की घटना है, लेकिन ये मेन कहानी नहीं है, सुनिए पहले। हम जब पढ़ेंगे ना कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, हीट ट्रांसफर, तो अब यही बात पढ़ेंगे कि जो पानी के मॉलिक्यूल्स कैसे गर्म होते हैं, कि जो मॉलिक्यूल्स गर्म हो जाते हैं ना हीट पाते कहाँ उठ जाते हैं, ऊपर, अभी ठंडा है फिर नीचे गिरेंगे अपने गर्म होंगे फिर उठेंगे ऊपर, तो जो गर्म है कहाँ उठ जाते हैं, ऊपर, अभी ठंडा है नीचे गर्म होते हैं, फिर जो मान लिया जाए कि सब गर्म होंगे जैसा, तो फिर बारी बारी सब गर्म हों तो नीचे उसमें मिल ही रहा है, नीचे तो हमेशा चालू है एकदम हीट भाई, जिसको टेम्परेचर मिलता कहाँ उठ जाते हैं, ऊपर। इसी तरह से एनर्जी मिलते जाता और ऊपर उठते जाते हैं, एक्स में इतना एनर्जी मिल जाता कि हर एक मॉलिक्यूल ऊपर ही उठना चाहते हैं, और हम कहते हैं उसमें क्या हो रहा है, अब बॉइलिंग, सही के लिए। और अगर ऐसे समझें तो हम लोग यह कहें कि इतना ज़्यादा उष्मा देते हैं मॉलिक्यूल के बीच का अट्रैक्शन आपस में कमजोर पड़ता जाता है और ये मॉलिक्यूल्स वहाँ से निकलना चाहते हैं, तो अगर उसके सरफेस पर अगर आपको लगे कि बबल बनना शुरू हो गया है, इस घटना को हम लोग बॉइलिंग कहते हैं, जिस टेम्परेचर पर ऐसा हुआ। अब लिखा हुआ है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड डिपेंड्स अपॉन द एक्सटर्नल प्रेशर ओवर इट्स सरफेस। बॉइलिंग पॉइंट कितना है यह डिपेंड करता है एक्सटर्नल प्रेशर पर, बाहरी प्रेशर क्या है, बॉइलिंग पॉइंट पर डिपेंड करता है एक्सटर्नल प्रेशर पर, प्रेशर पर डिपेंड करता है बॉइलिंग पॉइंट। तब ना बोलते हैं प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनता है, क्योंकि प्रेशर कुकर में बॉइलिंग पॉइंट का मान बढ़ जाता है, क्योंकि अंदर में प्रेशर ज़्यादा होता है, लेकिन अंदर में प्रेशर ज़्यादा होने के कारण बॉइलिंग पॉइंट का मान बढ़ जाता है। जो चीज़ें 100 पर खोलना चाहिए उस 100 को कुछ कम है, जो चीज़ें 100 पर खोलना चाहिए उस 100 पर खोलेगा नहीं, वो ज़्यादा टेम्परेचर पर खोलेगा, 120 पर 130 पर जाकर खोलना शुरू होगा। राजू जय इधर ध्यान सुनो, तो आज सुनते हो कि पहाड़ पर खाना क्या बनता है, देर, क्योंकि पहाड़ पर वायुमंडलीय दबाव कम है, वायुमंडलीय दबाव कम रहेगा तो बॉइलिंग पॉइंट का मान भी कम जाएगा, जो खाना 100 पर खोल रहा 70 पर, हमको लग रहा है कि खोल रहा भाई अब तुरंत बन जाएगा, यहाँ तो खोल रहा है 70 पर भाई तो जल्दी बनेगा, आप ऐसे को प्रेशर हाई हो गया जल्दी बनेगा, बस समझ में आएगा कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड डिपेंड्स अपॉन द एक्सटर्नल प्रेशर ओवर इट्स सरफेस। लिक्विड के सरफेस के ऊपर में कितना प्रेशर है इस पर डिपेंड करता है बॉइलिंग पॉइंट। तो प्रेशर को कि जो कुकर में लिक्विड के सरफेस के ऊपर में हाई प्रेशर है, पूरा अंदर से सील है ना, जो भी अंदर में गैस बन रहा है वेपर निकलने का मौका ही नहीं है, तो अंदर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, समय के लिए अंदर प्रेशर ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट का मान भी, हाँ, लिक्विड के सरफेस के ऊपर में, बाहरी प्रेशर का मतलब मैं समझना कि कुकर के बाहर लिक्विड के सरफेस के ऊपर ही भार है, ये बात दिखा होगा, झुक रहा है कि नहीं, हरामी झुक रहा है, वो हरामी झुक रहा है,
तो लिखा द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड डिपेंड्स अपॉन द एक्सटर्नल प्रेशर ओवर इट्स सरफेस। इन फैक्ट बॉइलिंग अकर्स एट ए टेम्परेचर, ध्यान सुनना बॉइलिंग का बहुत आया, बॉइलिंग अकर्स एट ए टेम्परेचर वेयर द सेचुरेटेड वेपर प्रेशर इक्वल द एक्सटर्नल प्रेशर। सेचुरेटेड वेपर प्रेशर का मान अगर बाहरी प्रेशर के तो बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगा। अभी तो समझा था ना सेचुरेटेड वेपर प्रेशर क्या है। अगर सेचुरेटेड वेपर प्रेशर का मान बाहरी प्रेशर के बराबर हो गया तो बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो लिखा हुआ है इन फैक्ट बॉइलिंग अकर्स एट ए टेम्परेचर वेयर द सेचुरेटेड वेपर प्रेशर इक्वल्स द एक्सटर्नल प्रेशर। दस फ्रॉम टेबल, आप टेबल से देखिए कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 1 एटमॉस्फेयर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड बट 0.5 एटमॉस्फेयर इज 82 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कहां से पता चलेगा हम लोग को, यहां देखिए पीछे वाले टेबल में 760 लिखल है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड में 100 डिग्री सेंटीग्रेड में 760 लिखा हुआ है कि नहीं। इसका मतलब जिस समय सेचुरेटेड वेपर प्रेशर का मान 760 में जी हो जाएगा तो पानी खोलना क्योंकि हमारा वायुमंडल दबाव भी 760 में जी। ये हुआ एक्सटर्नल प्रेशर, क्या हुआ तो लिक्विड के सरफेस के ऊपर का प्रेशर कितना होना चाहिए, फॉर्मूला सेचुरेटेड वेपर प्रेशर का मान। सुनो पहले, जैसे कि मान लिया जाए हम किसी पानी को ऐसे खोला रहे, ओपन खुलेआम खोला रहे, तो सब बोलेगा ऐसे बोल सकता है सब कि सर जब पानी खुलेआम खोल ही रहा है, पानी का ढक्कन खुला हुआ है, बर्तन का ढक्कन खुले है, तो बर्तन के ऊपर तो है ही कितना, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो खोल लगना चाहिए था। कंफ्यूजन यहाँ बच्चा को लगेगा कि पानी के हम क्या हुए कि 760 एम एच जी अगर प्रेशर हो जाएगा तो पानी खोलना, अरे भैया तो प्रेशर तो है 1 एटमॉस्फेयर वायुमंडल में, पानी खोले लगते है नहीं। ये क्या लिखा है कि 760 एम एच जी प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर है ना, लिक्विड के सरफेस के जस्ट ऊपर का प्रेशर कितना हो जाए 760 प्रेशर, सेचुरेटेड वेपर प्रेशर का मान हो जाए 760 एम एच जी, मैंने लिक्विड के सरफेस के जस्ट ऊपर में मैक्सिमम वेपर कितना हो जाए 60 एम एच जी प्रेशर का हो जाएगा, तब पानी खोलना। अब ऐसा नहीं कि हल्का हल्का भाव बन रहा उड़ यार नहीं बनेगा उतना शरीर में, वायुमंडल में तो वेपर है ही है लेकिन क्या सगुण सेचुरेटेड हो रहे बस में के लिए। अगर पूरे वायुमंडल में हवा क्या हो जाएगा सेचुरेटेड हो गया एटमोस्फेरिक प्रेशर के बराबर तो सब खोलना शुरू। तो प्रेशर नहीं लिखा, लिखा सेचुरेटेड वेपर प्रेशर का मान कितना हो जाएगा एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर। ये जो टेबल बनाया गया वो क्या लिखा है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड अगर इसका तापमान रहा तो 760 एनर्जी बर्दाश्त करेगा अंदर में, इन्होंने लिखा कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड इसका तापमान अगर कितना बर्दाश्त करेगा 760 एनर्जी अंदर में प्रेशर बर्दाश्त करेगा वेपर के कारण, हो गया सेचुरेटेड वेपर। अगर इससे ज्यादा प्रेशर इसके अंदर में दिया जाएगा तो ये बस मैं के लिए। तो अगर ये अंदर का 760 एमएमजी प्रेशर हो गया और बाहर में कितना है वायुमंडलीय दबाव है कि नहीं, तो वायुमंडलीय दबाव बाहर में कितना है 1 एटमॉस्फेयर और यहाँ भी कितना हो गया, तो खोल रहा हो बस मैं के लिए। अगर बाहर में वायुमंडलीय दबाव 0.5 एटमॉस्फेयर है, यहाँ तापमान 82 डिग्री है, तो 0.5 पर क्या हो जाएगा स्टेचू अगेन बाहर कुछ एक प्रेशर छोड़ दो, मान लिया बाहर तापमान ई है प्रेशर कितना 1 एटमॉस्फेयर और यहाँ है 82 डिग्री, कितना है 82 डिग्री पर यहाँ कितना आना चाहिए 0.5 एटमॉस्फेयर, तो 0.5 एटमॉस्फेयर यहाँ प्रेशर है वेपर का, उनके यहाँ तापमान कितना है 82 ये हो गया सेचुरेटेड, लेकिन खोलेगा नहीं समय के लिए, खोलेगा तब जब ही प्रेशर इसके या तो ही घट कहाँ चला जाए 0.5 एटमॉस्फेयर सही के लिए। पहाड़ पर चल जाइए प्रेशर हो गया कम 0.5 एटमॉस्फेयर, तो 82 डिग्री सेंटीग्रेड पर खोलना शुरू होगा वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर है ग्राउंड पर खोलेगा क्योंकि बाहर में प्रेशर यहाँ पर अभी 1 एटमॉस्फेयर है, यहाँ पर अभी 82 पर कितना ही 0.5 समय के लिए, 82 पर यहाँ 0.5 है, यहाँ पर है 1 एटमॉस्फेयर, यहाँ खोलेगा लेकिन चला गया कहाँ पर ही पहाड़ पर, तो यहाँ पर हो गया प्रेशर 0.5, अभी 82 पर 0.5 खोलेगा बस मैं कि नहीं। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब जब सेचुरेटेड वेपर प्रेशर का मान एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए तो हम क्या बोलते हैं बॉइलिंग करेगा, बॉइलिंग करेगा वो।
करंट नोट में लिखा हुआ है कि इन इवेपोरेशन ओनली द मॉलिक्यूल्स नियर द सरफेस व्हिच आर काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन द एवरेज एस्केप फ्रॉम द लिक्विड बट इन बॉइलिंग द मॉलिक्यूल्स ऑल ओवर द लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू बिकम वेपर। इवेपोरेशन और बॉइलिंग लगभग ये देखने में लगा, लेकिन इवेपोरेशन में सिर्फ लिक्विड के ऊपरी सरफेस में इतना एनर्जी होता है जो वेपर के रूप में कन्वर्ट हो सके, और बॉइलिंग के प्रोसेस के दौरान इंटायर लिक्विड में इतना एनर्जी होता है कि सभी चाहते हैं क्या कन्वर्ट हो जाए। लेकिन हम लोग ने बताया थे शुरू में भी कि पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा अगर हीट दिया जाए तो पानी क्या रहेगा, वेपर में कन्वर्ट होते जाएंगे और तापमान 100 का शून्य रहेगा, लेटेंट हीट कहते हैं, पढ़ा हुआ था। ठीक है, तो ये बॉइलिंग हो गया 100 डिग्री पर, इसका मतलब पानी के हर एक मॉलिक्यूल अब चाहते हैं क्या हो जाए, वेपर में कन्वर्ट हो जाए। जब तक कन्वर्ट होंगे नहीं तापमान 100 का शून्य, ये था हम लोग का बॉइलिंग। सही कह रहे हैं। अगला ड्यू पॉइंट, कौन पॉइंट ड्यू मतलब ओस। लिखा है कि टेबल से आप देख सकते हैं कि 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर सैचुरेटेड वेपर प्रेशर का मान कितना था, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर 8.5, 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 पर 7.5, ये लिखा हुआ है। कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर इतना होता है उसका क्या, सेचुरेटेड वेपर। मतलब कि अगर यहाँ तापमान 5 डिग्री सेंटीग्रेड तो ये तब तक प्रेशर अपने अंदर में यहाँ पर तब तक वेपर बनता जाएगा जब तक यहाँ का प्रेशर 6.51 न हो जाए, तब तक वेपरेशन स्टार्ट रहेगा। मैंने स्टेपिंग ज्यादा रहेगा और रिटर्निंग एक्स में ऐसा आएगा कि जब 6.51 हो जाएगा यहाँ पर तो स्टेपिंग और रिटर्निंग दोनों का मान हो गया। ऐसे 4 एग्जाम्पल लिखा गया है, ध्यान रहने वाला बात। अगर तापमान यहाँ 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा तो इसके अंदर ऑपरेशन हो रहा है, वेपर बन रहे हैं, वेपर कब तक बर्दाश्त करेंगे, 7.5 mmHg तक, वहाँ तक अगर प्रेशर इसके अंदर में है तब तक ऑपरेशन होगा। और उससे ज्यादा अगर हो गया, मैंने उतना पर अगर चला गया तो ऑपरेशन और रिटर्निंग का मान इससे ज्यादा प्रेशर यहाँ पर बन पाना संभव। अब सवाल, सपोज एयर एट टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड, मान लिया हमारा वायुमंडल कितना पर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, हमारा वेपर भी कितना पर होगा। सही कह रहे, मान लो कि वायुमंडल का तापमान कितना है, इसमें एयर भी है वेपर भी है, तापमान कितना होगा उसका, तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड अगर है तो वायुमंडल में कितना प्रेशर अगर होना चाहिए तो कहलाएगा सैचुरेटेड, 17.5। टेबल से सोचिए, सही कि नहीं, 17.5 mmHg अगर प्रेशर है तो कहा जाए कि सैचुरेटेड है कि नहीं। कहने का मतलब है कि एक निश्चित अमाउंट ले लीजिए कहीं हवा का, है कि नहीं, और उसमें देखिए कि प्रेशर 17.5 mmHg है या नहीं। अगर 17.5 mmHg प्रेशर वहां पर है वेपर के कारण तो समझिए कि हवा सैचुरेटेड है कि नहीं। अभी वायुमंडल का तापमान कितना है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर पूरा वायुमंडल सैचुरेटेड तब कहा जाएगा अगर वायुमंडल के निश्चित आयतन में हम वेपर का जो प्रेशर है कितना पाए, 17.5 mmHg। अगर हम देख रहे हैं कि वायुमंडल में वेपर के कारण कितना प्रेशर है, पूरा वायुमंडल का प्रेशर वेपर के कारण, प्रेशर वेपर के कारण, समझ के लिए, क्योंकि हम बोलते हैं वेपर प्रेशर, उसमें सिर्फ वेपर का प्रेशर है हवा का नहीं, इसमें हवा भी है यार, वेपर भी है, हम बात करें किसके बारे में, हाँ अंदर का वेपर प्रेशर इतना होना चाहिए 17.5 mmHg। अगर ये तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड है इसका तो 17.5 mmHg यहाँ प्रेशर होना किसका, वेपर का, एयर का नहीं, एयर में तो वेपर भी है ना, एयर का प्रेशर अलग हो, वेपर का प्रेशर अलग हुआ, डेल्टा स्लो ऑफ प्रेशर की जैसा। तो एक सपोज एयर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड कंटेन सम वेपर, हवा है मान लो 20 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें कुछ वेपर भी नहीं, कोई गारंटी नहीं कि ये हवा है जो सैचुरेटेड ही हो, ये गारंटी कहाँ लिखा गया, सीधे लिखा ले कि मान लीजिए कि हवा जो है अभी कितना पर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, कंटेन सम वेपर, अभी कुछ ही वेपर है, मैक्सिमम वेपर हवा में नहीं, मैक्सिमम वेपर तब कहा जाएगा जब हवा का
में वेपर प्रेशर का मान कितना हो जाएगा? 17.5 mmHg। अगर इस वायुमंडल में वेपर प्रेशर का मान 17.5 mmHg हो जाएगा तो बोला जाए कि जो है हवा में वेपर मैक्सिमम है। ठीक है, सपोज एयर एट टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड कंटेन सम वेपर व्हिच एग्जर्ट ए प्रेशर ऑफ 8.94 mmHg। हवा में वेपर है लेकिन वो प्रेशर कितना क्रिएट कर रहा है? मात्र 8.94 mmHg। कौन? हवा, वेपर। हमारे वायुमंडल में जो वेपर है वह 8.94 mmHg प्रेशर क्रिएट कर रहा है और तापमान और यहाँ कितना है? 20। क्या हवा सैचुरेटेड है? नहीं। हवा के अंदर जो वेपर है उसका प्रेशर 17.5 mmHg अगर होता तो कहते कि हवा सैचुरेटेड है। अगर 17.5, सुनो पहले, हवा का है किसका? हवा का तो है 1 mmHg, कितना? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हम उसके बारे में बात नहीं करते, वेपर के बारे में बात करते हैं हम बार बार। तुमको लगता है कि वायुमंडलीय दबाव, वायुमंडल दबाव अलग है, वेपर का प्रेशर अलग है बात। इस वायुमंडल में हवा भी है और वेपर भी है, हम सिर्फ वेपर के प्रेशर के बारे में बात करते हैं, हवा के प्रेशर के बारे में बात नहीं करते हैं। हाँ, यहाँ बात किए थे एक्सटर्नल प्रेशर, मैंने हवा का प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर अंदर वाला वेपर प्रेशर अगर बराबर हो गया स्टार्ट। हम बता रहे हैं कि अभी वायुमंडल का तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड है तो वायुमंडल के अंदर जो वेपर है उसका प्रेशर 17.5 mmHg अगर हो जाएगा तब जा करके हवा क्या हो जाएगा? अगर 17.5 से ज्यादा होना का प्रयास तो बूंद गिरना, लिक्विफिकेशन स्टॉप। सही कह रहे हैं? तो अभी कह रहा है कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तो है लेकिन जो हवा में वेपर उसका प्रति कितना दी? 8.94 mmHg। तो क्या हवा हो गया सैचुरेटेड? लेकिन क्या तापमान अगर 20 से गिर के 10 पर चला आए तो कहलाएगा सैचुरेटेड? समय के जाड़ा के दिन वही तापमान क्या हो जाता है? डाउन। तो 8.94 प्रेशर क्या बन जाता है? सैचुरेटेड प्रेशर। होना चाहिए कितना? 20 पर 17.5 mmHg होना चाहिए था लेकिन ज्यादा देर में तापमान नहीं गिरेगा। तापमान गिर गया तो 8.94 काम करने लगा सैचुरेटेड वेपर प्रेशर के जैसा। अब तो पक्का हो गया तापमान 10 पर आ गया तो हवा क्या हो गया? सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। अब जहाँ 10 से गिरा तापमान तो ई वाला जो है सैचुरेटेड से भी क्या हो जाएगा? ज्यादा की तरह बिहेव करेगा ना। तापमान 10 से भी गिर गया 9 हो गया, 8.94 था क्या कहलाएगा? सैचुरेटेड से भी ज्यादा। ज्यादा रहना संभव नहीं, तुरंत पानी बन गया। बस मैं लिखा हुआ कि सपोज एयर एट टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड कंटेन सम वेपर व्हिच एग्जर्ट्स ए प्रेशर ऑफ 8.94 mmHg देयर इज अनसैचुरेटेड बिकॉज़ ए वेपर प्रेशर ऑफ 17.5 mmHg नीडेड टू द सैचुरेटेड। है ना? सैचुरेटेड होने के कितना चाहिए? किसका प्रेशर चाहिए? वेपर का। इस वायुमंडल में मौजूद वेपर का प्रेशर 17.5 mmHg होना हवा को सैचुरेटेड होने के लिए, लेकिन है भी कितना? 8.94 द एयर विल बिकम सैचुरेटेड विद वेपर बिकॉज एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड द सैचुरेटेड वेपर प्रेशर 8.94। सही ना? अब तापमान गिर के 20 से 10 हो गया तो वही वेपर का प्रेशर क्या कहलाएगा? सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। The temperature at which present vapor pressure behaves like saturated vapor pressure is called dew point. The dew point क्या कहलाएगा? 10 डिग्री सेंटीग्रेड। मैंने 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर पोस्ट पड़ना शुरू हो जाएगा। तापमान अगर 10 से डाउन हुआ पोस्ट पड़ना शुरू हो जाएगा, मतलब वायुमंडल का जो वेपर है वो लिक्विड के रूप में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। मान लो कि तापमान है ऐसी, तब मैंने कभी तापमान पर बोलना अच्छा है 20 10 पर 50 60 पर ही बोलना ठीक बात नहीं है, इसलिए मैंने बेसिक वाला बात की। जैसे कि मान लो कि कमरा के अंदर में जो हवा है, चाहे वायुमंडल में जो हवा है उसका मैंने उसके अंदर में वेपर भी है, उसका प्रेशर मान लो कि 8.94। सुनो पहले कहानी, 8.94 टेबल देखना अपना, सब टेबल इसके लिए हो गए, 8.94 है और तापमान अभी मान लिया कितना है? 5। कितना है? 5। अभी तापमान है 5 डिग्री सेंटीग्रेड लेकिन वायुमंडल में जो वेपर है उनका प्रेशर कितना है? 8.94 से तब कहा जाएगा जब तापमान 10 होगा, तापमान यहाँ
तो पांच नहीं कितना नंबर थे, दस ना तापमान कितना बोले थे, दस हाँ उल्टा बोले, तापमान मान लो कितना है दस, आप ऐसे कितना है 6.5 इतना लेंगे ना, तापमान है कमरा का दस, एटमोस्फेयर का मंडल का तापमान 10 है, लेकिन प्रेशर कितना है, प्रेशर मतलब हवा का, हवा में उपस्थित वेपर का, हवा में उपस्थित वेपर का प्रेशर कितना है 6.51। नहीं कहा जाएगा सचो जब तापमान 10 से कितना गिरेगा, सही हवा क्या हो जाएगा 4 डिग्री हुआ तो वो स्पंदना शुरू हो जाएगा, बस मैं गिने इस भाग गया ड्यू पॉइंट। अगर द टेम्परेचर इज डिक्रीज बिलो द ड्यू पॉइंट, अगर टेम्परेचर उससे भी क्या हो गया डाउन, जैसे 5 से बताए 4 हो गया, 4 से भी क्या हो जाए 3 और डाउन हो जाए, सम ऑफ द वेपर कंडेंस, वेपर क्या बन जाएंगे, ओस बन जाएंगे बूंद, कंडेंसेशन मतलब वही लिक्विफिकेशन, कंडेंसेशन मतलब लिक्विफिकेशन, कंडेंसेशन मतलब भाप से पानी में तब्दील होना, तो लिखा हुआ है इन विंटर नाइट्स, विंटर में गर्मी ना जड़ा वाला रात में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर गोज डाउन, नहीं टेम्परेचर गोज डाउन है कि नहीं, जड़ा के जड़ा वाला रात में टेम्परेचर क्या हो जाता है डाउन हो जाता है, द सरफेसेस ऑफ विंडोज पैन फ्लोर ग्रास ईटीसी बिकम्स स्टिल कोल्डर ड्यू टू रेडिएशन, ये सब क्या हो जाता है सब ठंडा हो, टेम्परेचर डाउन होने के कारण क्या हो जाती है ठंडा हो जाती है, द एयर नियर द बिकम सैचुरेटेड, तो इसके आस पास का जो है हवा क्या हो जाता है सैचुरेटेड, पूरा वायुमंडल नहीं हो गया सैचुरेटेड, मान लें कि रात में तापमान गिरा तो तुमको उतना ठंडा नहीं महसूस, इतना तो नहीं कितना कहता कि जमीन पर से तो ठंडा रहे सर, अगर सब टेम्परेचर रखे तो जमीन पर का है खुला में ठंडा लाना चाहिए था, बस मैं कि नहीं मान लिया जाए कि ठंडा के दिनों को जमीन पर सूते और मान लिया कुछ ऐसे जंगल सूते मान लिया जाए कहीं बिछावन पर तो ठंडा लगेगा उतना, जमीन ठंडा लगेगा ज्यादा, बस समझिए पे इसलिए पूरा हवा इसे अभी तापमान टेबल पर आओ, टेबल देखो सब अभी तापमान कितना मान लिया जाए 20 डिग्री कितना है तापमान, और वायुमंडल में जो वेपर है उसका प्रेशर कितना है 8.94। अब तापमान गिरी कितना हो गया 10, तो पूरे का तापमान गिर के 10 नहीं हो गया, जब रात में ठंडा होगा ना कुछ कुछ खास चीज का तापमान ज्यादा गिर जाता है, इसे लोहा तो हवा ज्यादा गिर जाएगा, लोहा तो हवा का हाई मैंने यहाँ पर कनेक्टिविटी है, जितना जल्दी गर्म होता है जल्दी हीट को लॉस करता है, तो ठंडा भी जल्दी होगा है ना, एक ऐसी लकड़ी में सट होगा लोहा में सट हो अंतर बुझाएगा लोहा ज्यादा ठंडा देगा क्योंकि ज्यादा हीट लॉस कर चुका है, क्योंकि टेम्परेचर क्या है कम, तो ही कह रहा है कि विंडो जो स्पैन है फ्लावर्स है वो टेम्परेचर डाउन हो गया है, सब जगह टेम्परेचर डाउन हो गया है, तो उसके आसपास का हवा हो गया वो सैचुरेटेड है कि नहीं, तापमान है 20 लेकिन हवा का प्रेशर 8.94 है, तापमान हो गया 20 से कहाँ का फ्लावर्स का स्पैन का मान लो कहीं है मान लो खिड़की है उसका है कि नहीं, उसका तापमान क्या हो गया है डाउन, उसके आसपास का हवा क्या हो गया तो वहाँ वहाँ कंडेंसेशन हुआ होगा, तो नहीं पूरे में शीत गिरल रहते हैं, जहाँ जहाँ टेम्परेचर ज्यादा डाउन हुआ वहाँ पर रोज का बूंद लगता है वहाँ पर कंडेंसेशन हुआ होगा, पूरे वायुमंडल में ऐसा बात नहीं हो, तो यहाँ पर लिखा हुआ होगा और क्या क्या पढ़ रहे थे हम, इन विंटर नाइट द एटमॉस्फेयर टेम्परेचर गोज डाउन द सरफेसेस ऑफ विंडो पैन फ्लावर ग्रास इटीसी बिकम्स स्टिल कोल्डर ड्यू टू रेडिएशन, मैंने वही हीट लॉस किए होंगे, द एयर नियर देम बिकम सैचुरेटेड एंड कंडेंसेशन बिगेन, द ड्रॉपलेट कंडेंस ऑन सच सरफेसेस आर नोन एज ड्यू, वही जो बूंदे उस पर जाकर बन जाते हैं क्या बोलते हैं हम लोग होस बनते हैं, इफ द टेम्परेचर फॉल्स फर्दर द होल एटमॉस्फेयर, अगर पूरा वायुमंडल में ऐसा हो जाए तो बोलते कुहासा लग गया, जब तक कुछ खास जगह घटना घटित हो रहा था तब बोलते हैं कि ओस पड़ रहा है, अभी पूरे वायुमंडल का तापमान गिर नहीं रहा है, अगर पूरे वायुमंडल के साथ ही घटना घटित हो जाए तो सब लोग कंडेंसेशन स्टार्ट होंगे, हवा में भी कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पानी के मॉलिक्यूल है वहीं बूंद बनना शुरू हो गया, तो लोग बोलते हैं कि अब कुहासा लग गया, बस मैंने के लिए ये बात ध्यान रखा, if the temperature falls further the whole atmosphere in that region may become saturated, ab pura region hi kya ho gaya hai ha pura vayumandal hi ho gaya saturated, bas mein ki nahi to har ek jagah jahan jahan pani mein dhul gaya hai ki nahi hawa mein dhul gaya hai ki nahi wo bhi thanda ho gaya hoga, wahan par bhi matlab kya hoga hawa se jo wahan vapor jo hoga vapor to kya ban gaya wo likh,
कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया है हर एक जगह. A small droplets then condense on the dust particle present in the air. तब हवा में जो dust particle मौजूद हैं, वो भी condensation करना start कर देते हैं. वो भी क्या हो गए हैं? तो उनके आसपास की हवा में क्या हो गया है? Saturated हो गया. These droplets keep floating in the air. और हवा में क्या होते रहते हैं? Droplets तैरते रहते हैं. And form a thick mist. और एक मोटा चादर बना देते हैं, which restricts the visibility. जो visibility को कम कर देता है. This thick mist is called fog. वही लिखा था हमने, क्या बोलते हैं? Fog. समझ आए लोग कि नहीं? अब लास्ट टॉपिक है ह्यूमिड. अब समझ आए ह्यूमिडिटी क्या है? कहते हैं अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर. मान लिया जाए कि एक वॉल्यूम हवा है एक मीटर क्यूब, एक मीटर लंबा, एक मीटर चौड़ा, एक मीटर क्यूब क्या है इसके अंदर में? हवा. लेकिन हवा खाली थोड़े में है, वेपर भी तो है कि नहीं? हवा तो क्या है? वेपर भी है. अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन वन यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इन एयर. इसमें जय ग्राम वेपर मौजूद है अगर एक सेंटीमीटर लंबा, एक सेंटीमीटर चौड़ा, एक सेंटीमीटर ऊंचा बर्तन बनवाया जाए उसमें जय ग्राम वेपर मौजूद है उतना ग्राम पर सीसी क्या कहलाएगा? समझ के लें. वही लिखो द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर द अमाउंट ऑफ. कुत्ता ज्यादा हाफता है जीव निकाल के उसको इवेपोरेशन होना बात ज्यादा पता लेकिन समय सर हमने पढ़ाए बोल रहा हूँ नापता है कि नहीं? जितना जीप बाहर निकाल जीप का जितना सरफेस बाहर निकले उतना ज्यादा इवेपोरेशन होंगे और इवेपोरेशन होने के कारण हीट कहाँ से लिया जाएगा? अंदर से ठंडा मौसम. इसे कुत्ता की तरह हाँपना भी बहुत जरूरी है. लेकिन आदमी थक गया गर्मी लग रहा हाँ से. द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर. यूनिट वॉल्यूम मतलब आप देखो भाई ग्राम पर सीसी में कहानी चल रहा है यहाँ. एक सेंटीमीटर लंबा, एक सेंटीमीटर चौड़ा, एक सेंटीमीटर ऊंचा अगर कोई स्पेस है बर्तन उतन के बारे में बात नहीं कर रहे हम लोग खुले आओ. इस जगह में जितना ग्राम वेपर मौजूद होगा वह क्या कहलाएगा? ह्यूमिडिटी. अमाउंट ऑफ वेपर प्रेजेंट इन वन वॉल्यूम ऑफ एयर. सही कि नहीं? एक वॉल्यूम एयर में जितना ग्राम वेपर का अमाउंट मौजूद है वो क्या कहलाएगा? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी. खेल ना एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी. द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इन ग्राम पर मीटर क्यूब. ग्राम पर सही. एक सेंटीमीटर में कुछ कुछ है वो नहीं करेगा है कि नहीं? एक सेंटीमीटर में कुछ कुछ है वो नहीं करेगा. एक मीटर लंबा, एक मीटर चौड़ा, एक मीटर ऊंचा रहेगा तो आंसर आएगा कुछ में ग्राम. बात सही है. अब किलोग्राम में लिखने दो कुछ है नहीं? एक मीटर लंबा, एक मीटर चौड़ा, एक मीटर ऊंचा में अब पानी मौजूद है हवा में तो किलोग्राम में क्या रहेगा? बोलो ग्राम में ठीक लिखा हुआ ग्राम पर मीटर लिखा ग्राम पर मीटर क्यूब. ग्राम में नापेंगे पेपर को तो अच्छा अंक आएगा डाटा आएगा. अब किलोग्राम में नापे तो -3 पावर -4 पावर ऐसे. अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी. अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर एट ए गिवन टेम्परेचर बटा अमाउंट ऑफ वाटर वेपर रिक्वायर्ड टू सैचुरेट द सेम वॉल्यूम ऑफ एयर एट सेम टाइम. समझिए मोटा मोटी क्या लिखा है ना? ध्यान सुनो ये पहले बुझाया कि नहीं? तो क्या लिखा है? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी. एक मीटर लंबा, एक मीटर चौड़ा, एक मीटर ऊंचा में कुछ ग्राम वेपर है कि नहीं? क्या यह हवा सेचुरेटेड इस बात का गारंटी है? नहीं. वो तो डिपेंड करेगा भाई कि अंदर में प्रेशर कितना है. अगर टेम्परेचर के हिसाब से अगर तापमान बाहर में 20 डिग्री सेंटीग्रेड और इतना हवा के अंदर का प्रेशर इसके अंदर में जो वेपर मौजूद है उसके चलते का कितना 5 mm की प्रेशर अगर बन रहा है तो कहलाया कि अंदर में सेचुरेटेड है हवा. कितना हो 10 पर
9.4 बात की नहीं। तो क्या गारंटी है भाई कि जब कमरा का तापमान 20 है पूरा वायुमंडल का, तो 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर क्यूब हवा में अंदर में वेपर है, इतना प्रेशर पैदा कर ही रहा होगा? कर भी सकता है आप? नहीं भी। मान लो कितना प्रेशर पैदा करने के लिए इसके अंदर में 100 ग्राम वेपर चाहिए, मान लो, है कि नहीं? तो मान लो इसके अंदर में 20 ग्राम वेपर, कितना है? 20 ग्राम। तो ह्यूमिडिटी बराबर 20 ग्राम पर मीटर क्यूब, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कितना हो गया? 20 ग्राम पर मीटर है। कमरा का तापमान कितना है? 20। 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर क्यूब हवा ले लिए, उसमें कितना ग्राम वेपर? 20 ग्राम। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बराबर 20 ग्राम पर मीटर क्यूब, क्लियर? तो लेकिन इसको सेचुरेट होने के लिए कितना चाहिए? 100 ग्राम। तो 20/100 इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी, 20/100 इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। अब इसमें कितना मौजूद है वेपर? 20 ग्राम। तो 20 ग्राम पर मीटर क्यूब क्या हो? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। लेकिन इसके अंदर हवा को वेपर, मतलब वेपर को सेचुरेट होने के लिए कितना चाहिए? 100 बराबर ह्यूमिडिटी। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर, हम 1 मीटर क्यूब की बात नहीं कर रहे हैं, कोई वॉल्यूम ले लो भाई, कोई वॉल्यूम ले लो, कितना वॉल्यूम ले लो, मन चाहे वॉल्यूम ले लो, उसके अंदर में कुछ तो वेपर होगा ना। जितना वेपर उसके अंदर में होगा, ध्यान से समझिएगा बात, मान लिया जाए कि इसका वॉल्यूम 4 मीटर क्यूब है, कितना है? ध्यान समझिएगा। और इसके अंदर में भी 20 ग्राम हवा है, कितना है? 20 ग्राम। तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बराबर 5। 20/4 पर मीटर की। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बराबर अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन पर मीटर क्यूब एयर। तो 20 ग्राम तो 4 मीटर क्यूब में ना है, तो 1 मीटर क्यूब में 5। तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बराबर 5 ग्राम पर मीटर क्यूब एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। बस मैं कि नहीं? और मान लो किसको सेचुरेट होने के लिए कितना चाहिए? 150 ग्राम। कितना को? हाँ, अब हम लोग बात कर रहे थे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का, इसलिए यूनिट वॉल्यूम का बात किए। अब वॉल्यूम से कोई लेना देना करा? किसी दिए गए स्पेस में, किसी दिए गए वॉल्यूम में अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर एट ए गिवन टेम्परेचर, मान लेते हैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड, एक गिवन वॉल्यूम है 4 मीटर क्यूब, इसके अंदर में कितना है? 20 ग्राम। तो ऊपर वही लिखा है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन ए गिवन वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर एट ए गिवन टेम्परेचर, बटा अमाउंट ऑफ वाटर वेपर रिक्वायर्ड टू सेचुरेट द सेम वॉल्यूम ऑफ एयर एट सेम टेम्परेचर। लेकिन इसको सेम टेम्परेचर और सेम वॉल्यूम को सेचुरेट करने के लिए, अंदर वाले जगह को सेचुरेट करने के लिए कितना वेपर चाहिए? 150 ग्राम वेपर रहेगा तभी क्या कहलाएगा? सेचुरेट हो जाएगा इस पूरे अंदर का वॉल्यूम, पूरे अंदर की हवा सेचुरेटेड तक हो जाएगी 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जब अंदर में कितना अमाउंट रहेगा? तो 20 ग्राम/150 ग्राम बराबर किसी दिए गए वॉल्यूम में, किसी दिए गए तापमान पर जितना वेपर का अमाउंट मौजूद है, बटा उसी दिए गए वॉल्यूम में उसी तापमान पर अंदर की हवा को सेचुरेट करने के लिए जितना हमें चाहिए बराबर रिलेटिव घुमा अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर एट ए गिवन टेम्परेचर बट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर रिक्वायर्ड टू सेचुरेट द सेम वॉल्यूम ऑफ एयर एट सेम टेम्परेचर। इफ एयर इज ऑलरेडी सेचुरेटेड, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100%। लेकिन अगर एयर क्या ऑलरेडी ह्यूमिडिटी का मतलब 100% ह्यूमिडिटी है, हवा क्या है? सेचुरेटेड। अब इसके अंदर वेपर, ह्यूमिडिटी का मतलब वेपर का मात्रा, ह्यूमिडिटी का मतलब हवा है सेचू, मात्रा अपने अंदर में मैक्सिमम वेपर रखे हुए है, इसे तो वेपर हो पाना ह्यूमिडिटी बराबर 100%। सही के लिए ह्यूमिडिटी का मतलब अमाउंट ऑफ वेपर पर मीटर, हवा ही सेचू, इसका मतलब वेपर की मात्रा फुल हो गया है। मैंने सेचू तभी कहा जाता है ना भाई, जब वेपर से ज्यादा बढ़ा पाना संभव नहीं हो, ज्यादा वेपर हो करने से स्टार्ट तब देख लो अंदर का प्रेशर क्या है। नहीं नहीं सर, सुनो, 5 तो है सेचुरेटेड ना,
20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 7.5 क्या है? लेकिन 7.5 तब न होगा जब इसके अंदर में एकदम पूरा वेपर मौजूद होगा। यहाँ मौजूद है बिक्सर वगैरह, अंदर में प्रेशर है सैचुरेटेड, कुछ होगा प्रेशर अपना ऊ वाला प्रेशर। अब बट्टा कभी होगा सेचू बताइए। अब मोटा मोटी सुनिए, पहले बोला लियो कि 20 ग्राम बटा 150 ग्राम, अरे 20 ग्राम रहेगा तो अंदर में प्रेशर कम रहेगा, 150 ग्राम रहेगा तो प्रेशर ज्यादा, कुछ होगा सैचुरेटेड। तो मास की भाषा में नहीं बोल के प्रेशर की भाषा में बोलो, है कि नहीं? कि 20 ग्राम बटे क्या बोला तुम, 150 ग्राम बोलो, 20 ग्राम था जब का प्रेशर बटा 150 ग्राम है तब का प्रेशर, क्योंकि प्रेशर डिपेंड्स अपन वही ना अमाउंट, जितना ज्यादा अमाउंट अंदर में पेपर का होगा उतना ज्यादा प्रेशर अंदर में बनेगा। वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम टेम्परेचर पी डाइट्रीपोजन टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी बराबर एन आर टी, आर कॉन्स्टेंट, टी कॉन्स्टेंट, बी कॉन्स्टेंट, पी डाइट्रीपोजन टू एन, जितना ज्यादा अंदर में गैस की मात्रा होगी उतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा। अगर 20 ग्राम है अंदर में प्रेशर कम है मतलब सैचुरेटेड, 150 ग्राम हो गया सैचुरेटेड, तो या तो बोलो 20 बटा 150 या तो 20 ग्राम पर प्रेशर बटा 150 ग्राम पर प्रेशर, बात है क्या हो गए? सही है कि नहीं? तो 20 ग्राम का प्रेशर हुआ जनरल प्रेशर, वेपर प्रेशर, आई हो गया सैचुरेटेड वेपर प्रेशर, सही है कि नहीं? लिखा हुआ है कि वेपर प्रेशर ऑफ एयर बोल दो अब बटा सैचुरेटेड वेपर प्रेशर है सेम थिंग। अब सुनिए, पहले वेपर प्रेशर ऑफ एयर को बोला जा सकता है सैचुरेटेड वेपर प्रेशर है ड्यू पॉइंट। सुनो पहले वेपर प्रेशर को बोल सकते हैं, वेपर प्रेशर को समझना पहले बात, ध्यान से सुनो। मान लो तापमान कितना है 20, अंदर में हवा 20 ग्राम, कितना 20 और 20 ग्राम हवा के चलते प्रेशर बराबर 8.9 जा रहे हैं जी, ध्यान सुनना। और हमको पता है कि जब 150 ग्राम इसमें हवा, हवा नहीं वेपर, और जब डाल दिया जाएगा तो प्रेशर बराबर 7.5 एमएम जी। तो इस गिवन वॉल्यूम में कितना अमाउंट मौजूद है वेपर का, और पूरा का सैचुरेट होने के लिए कितना चाहिए? तो हो गया रिलेटिव ह्यूमिडिटी बराबर 20/150, या तो बोलो ना भाई कि 8.94/17.5 कोई आया? 20 ग्राम पर प्रेशर इतना बनता है और इतना पर इतना बनता है, सेम है कि नहीं? प्रेशर 30% टू एन, क्या 8.94 भी एक सैचुरेटेड वेपर प्रेशर है ड्यू पॉइंट का, जब तापमान 20 से 10 पर गिरेगा कि ड्यू पॉइंट कहलाएगा, ड्यू पॉइंट के लिए क्या है फिर से सैचुरेटेड। तो ऐसे लिखो कि जनरल प्रेशर एट 20 डिग्री या तो सैचुरेटेड वेपर प्रेशर एट ड्यू पॉइंट, समझ गए? ये वेपर प्रेशर 20 के लिए, 10 के लिए सैचुरेटेड वेपर प्रेशर, सही कि नहीं? तो वेपर प्रेशर ऑफ एयर अब बट्टा सैचुरेटेड वेपर प्रेशर ऑफ एयर एट गिवन टाइम, यहाँ लिखेंगे ना सैचुरेटेड वेपर प्रेशर एट ड्यू पॉइंट, सही कि नहीं? सैचुरेटेड वेपर प्रेशर एट ड्यू पॉइंट अब बट्टा सैचुरेटेड वेपर प्रेशर एट गिवन टेम्परेचर, वेरी क्लियर? यस सर। सैचुरेटेड वेपर प्रेशर एट ड्यू पॉइंट बट्टा सैचुरेटेड वेपर प्रेशर एट एयर टेम्परेचर, इसको बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमा। कहानी खत्म, वहां पर नहीं ठीक, रखो बंद करो।